हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के एसएससीजेई चैनल पे। एंड टुडे इज आवर व्हाट मैराथन सेशन गाइस, मैराथन सेशन। यस, वी विल बी डिस्कसिंग 2019 के आपके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस का सेट आए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी लोग लाइव जुड़ जाइए जितना हो सकता है। गुड आफ्टरनून नजर अहमद, वर्षा, सौम्या, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके यस, एंड देयर इज सम ओके There is a birthday girl in our comment section। चलिए चलिए, बिल्कुल तो बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं आज। Those who are new, my dear, my name is Ajay Singh Rathour and I will be your educator for what? Logical reasoning, physics and chemistry। Good afternoon Shubhashish, good afternoon। चलिए बिल्कुल, तो हम हमारी सीरीज क्या चल रही थी मैराथन की, कि 2019 के जितने भी क्वेश्चन सेट हम प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ उसे प्रैक्टिस नहीं करना, उसे एनालाइज भी करना है कि आपका एग्जामिनेशन का लेवल कैसे कैसे बढ़ते आ रहा है। अगर लास्ट ईयर 152 कट ऑफ गया था तो किस तरीके से गया था, कैसे मार्क्स स्कोर होंगे कि हमारा उससे भी ज्यादा नंबर आए, हम शॉर्ट सिलेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखें। ओके, बिफोर स्टार्टिंग जस्ट अबाउट शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट आज हमारा 8 PM टुडे एट 8 PM पे हमारा स्पेशल सेशन होने वाला अगेन ऑन व्हाट लॉजिकल रीजनिंग सीरीज का पार्ट 11। ओके, डू नॉट मिस दिस स्पेशल सेशन, डू नॉट मिस दिस स्पेशल सेशन। बिल्कुल सभी लोग अटेंड करिएगा। ओके यस, हैप्पी बर्थडे डियर। चलिए बिल्कुल, ओके गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून आदिल, केतन, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसी तरह से मारिया, बिल्कुल तो आज के दिन को आपको भी स्पेशल बनाना है। कैसे पूरा स्कोर आई हैव ब्रिंग आउट व्हाट टोटल 50 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। पूरा की पूरा जो सेट है, पूरा ही सेट लगाएंगे। जो टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं वो भी, और जो नए टॉपिक्स हमारे पास आने वाले हैं वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। ओके, दिस इज अगेन योर व्हाट 2019 में जो SSCJE का एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था उसका वी आर डिस्कसिंग व्हाट अ कंप्लीट सेट, ठीक है, कंप्लीट सेट। तो कैसे आज का दिन स्पेशल बना सकते हैं आप? सिंपली जस्ट ट्राई टू स्कोर व्हाट 50 आउट ऑफ 50, जस्ट ट्राई टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50। हमारे इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर नहीं हुए, बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 30 to 40 मार्क्स सिलेबस कवर कर चुके हम ऑलरेडी। तो जो भी आपके एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे ट्राई करेगा उनको सॉल्व करने के लिए, और आगे की क्लासेस में हम डेफिनेटली हर चीज के थ्योरी क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यस और नो? तो इज एवरीवन रेडी गाइस? सब रेडी हैं कि नहीं? गिव मी थम्स अप। ओके, सभी बताइए रेडी हैं कि नहीं क्वेश्चन सीरीज के लिए। और टारगेट क्या रहना है हमारा? 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रखेंगे। हर स्टूडेंट माय डियर हमारे क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन सही हुए गलत हुए, अपने अपने क्वेश्चंस काउंट करके रखेगा, लास्ट में मुझसे शेयर करेगा। यस और नो? यस, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। चलिए तो बिल्कुल रेडी हो जाइए माय डियर, अपना पेन कॉपी लेके बिल्कुल तैयार है। पूरा आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? सेशन के ऊपर रहना चाहिए। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और बस एक छोटी सी चीज, जहां पर भी आपको नए टॉपिक से अगर क्वेश्चन मिलता है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी आज के सेशन काफी शॉर्ट में रखूंगा, बाकी इन आवर व्हाट अपकमिंग सेशंस वी विल डिस्कसिंग दैट टॉपिक इन ब्रीफ। यस और नो? सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए ठीक है, सो starting our session, and the first question on what your logical reasoning 50 marks set is this is your first question। Select the option that is related to the third cluster in the same way। मतलब हमारा क्या एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल बेस्ड। तो आपको यहाँ पर रिलेशन बनानी है और तुरंत सॉल्व करिए। आंसर में इन कमेंट सेक्शन। चलिए कम ऑन गाइस, ठीक है, पूरा की पूरा फोकस। एंड माय डियर आई वांट ईच एंड एवरीवन फोकस ऑन व्हाट योर स्क्रीन्स, ताकि आपको ये वाला पेपर को इतने सीरियसली हमें करना है कि जस्ट टेक इट एज व्हाट योर मिनी मॉक फॉर योर एग्जामिनेशन। कंप्लीट 50 मार्क्स सेट्स, कंप्लीट 50 मार्क्स सेट, उसको इसी तरीके से लेके आपके क्या है मिनी मॉक है एग्जामिनेशन। गुड आफ्टरनून रंजन, गुड आफ्टरनून। चलिए, और ईच एंड एवरीवन स्टूडेंट जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनको अपने पास काउंट करके रखेगा, एंड लास्ट में शेयर करेगा मुझसे कि किसने कितने मार्क्स स्कोर कर पाया है। सौम्या त्रिपाठी, आगरा। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइस? सौरभ तिवारी, आगरा। ओके, नजर अहमद बॉम्बे, वर्षा सिंह आगरा, आदिल अंसारी आगरा। ठीक है, आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। रंजन कुमार आगरा, ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्या हो रहा है, एनालॉजी सीरीज है, एनालॉजी सीरीज है, आपको उसमें क्या देखना, अल्फाबेटिकल सीरीज में देखना। क्या 16 से व्हाट 11 मतलब -5 हो रहा है, देन 9 टू 18, देन व्हाट 20 टू 1, देन 25 टू 22, कोई डायरेक्ट रिलेशन हिट नहीं कर रहा है। इनवर्स देखेंगे 16 टू व्हाट 22, 9 टू 1, कोई डायरेक्ट रिलेशन यहां पर हिट नहीं कर रहा है। सौम्य तिमाटी, p+2 t+2 इज व्हाट इक्वल्स टू v, सेम फॉलो। चलिए बिल्कुल देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, व्हाट PITY is related to what KRAV, ठीक है, is related to KRAV। किस तरह का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर? ओके, p+2 आप क्या बता रहे हैं, R, ठीक है, p+2 you are saying R, then t+2 you are saying what V, that means you are saying this relation। तो उसी हिसाब से फिर what I और my dear K के बीच में और what आपका Y और A के बीच में। ओके, रिलेशन डायरेक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आई एम टेंडिंग वन लॉजिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है डियर। दिस क्वेश्चन इज व्हाट कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड, यस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डायरेक्ट लॉजिक तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपका क्रॉस पेयरिंग करके देखिए। कहाँ जा रहा हूँ मैं, 16 टू 18, 16 टू 18 +2, I टू व्हाट 9 टू 11 +2, देन व्हाट 20 टू 22, 25 टू 27 +2 +2, मतलब क्रॉस पेयरिंग और क्या हो रहा है, +2, वेरी गुड। इसी के बाद अगर मैं आगे देखूंगा, चेन्नई भी आंसर आता हुआ, बस ठीक है डियर, चेन्नई भी आंसर आता हुआ। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, व्हाट योर CALM, हाउ योर CALM कैन बी रिटन एज, क्रॉस पेयरिंग करिए। ठीक है, C का क्या हो जाएगा यहाँ पर E, A1+2 इज व्हाट 3 CE, L+2 12+2 इज व्हाट योर 14, एंड M माय डियर व्हाट योर M क्या हो जाएगा यहाँ पर 13+2 is what your 15, that is O, CEON, your answer is Bombay, not Agra, your answer is Bombay। अरे understood or not, cross pairing +2, answer क्या हो गया आपका, Bombay होगा dear। Okay, this is what your 12 +2 करूँगा तो 14, यहाँ क्या हो गया 13 +2 करूँगा तो क्या होगा 15, yes or no, Bombay होगा। तो आगरा, चेन्नई, दिल्ली, इतने सारे आंसर्स क्यों डियर? इतना सिंपल क्वेश्चन जब आप यहाँ तक के लॉजिक डिकोड कर चुके हो फिर भी यहाँ पर फंसे रहे हो तो एक सिंगल मिस्टेक भैया, जिसने गलत आंसर किया है वो बिल्कुल अपना एक माइनस मार्किंग, ओके, वन क्वेश्चन गलत मार्क कर लीजिएगा और 1/4 मार्क्स अपने डिड्यूस कर लीजिएगा। ओके, यस और नो, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल सेशन में वापस स्पीड से जुड़ जाइए सभी लोग। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन में माय डियर इतने अच्छे से मेरे समझाने के बाद भी सिली मिस्टेक्स के थ्रू स्टूडेंट्स फिसलते हुए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, भले ही आपका लर्निंग सेशन है, बट टेक इट एज व्हाट योर मिनी मॉक, कि आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम में ही बैठे हैं, उसी तरीके से हमें लेना है। यस और नो, यस यस। लास्ट वाला डिजिट चेक ही नहीं किया तो कौन करेगा भैया, करना पड़ेगा कि नहीं। आई हैव ऑलवेज टॉट यू, और बार-बार मैंने रिपीट किया है, हमेशा क्रॉस चेक करिए, हमेशा क्रॉस चेक करिए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एनालॉजी बेस्ड। The relation is between cricket and umpire. Establish a statement between cricket and umpire, और same statement आप आपके ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करिए। Yes dear, मैं समझ गया था, जैसे ही आपके आंसर्स गलत आ रहे थे मैं समझ गया था स्टूडेंट्स हैव मेड अ सिली मिस्टेक, अ वेरी कॉमन सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं करना है, हर मार्क्स हमें बचाना है एग्जामिनेशन में। ओके, गलती से भी नहीं करना है। मैं बार बार स्टेटमेंट क्यों रिपीट करता हूँ क्लास में कि हमेशा क्रॉस चेक करिए आपका आंसर। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है नीलेश, बादल एंड आदिल बॉम्बे, बॉम्बे, केतन भागवत, आशुतोष, आदिल, सौम्या बॉम्बे, नजर अहमद, शिल्पी, सौरभ तिवारी, चिन्मय बॉम्बे, बॉम्बे, ब्यूटीफुल डियर। क्रिकेट एंड अंपायर मतलब क्रिकेट में कौन होते हैं जजमेंट के लिए, अंपायर होते हैं। वैसे फुटबॉल में कौन होते हैं डियर, रेफरीज, फुटबॉल में क्या होते हैं, रेफरीज। योर आंसर इज बॉम्बे, योर आंसर इज बॉम्बे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आपके YouTube कमेंट्स में आप किसी के कमेंट्स को कॉपी करके मत अपना आंसर जज कर लीजिएगा, अपना आंसर खुद निकालिए और वही आंसर दीजिए, भले आपके बाकी लोगों से मैच कर रहा हो या ना कर रहा हो। ओके, विकास माहौर इज शोइंग व्हाट सी माय डियर, हॉकी और डिफेंडर, चेस और चेकमेट, बॉक्सिंग और रिंग, ये सारे वर्ड भी रिलेटेड है, बट किस वे में रिलेटेड चाहिए, उस वे में रिलेटेड चाहिए जहां पर क्रिकेट और एम्पायर रिलेटेड है। दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज शोइंग द सेम रिलेशनशिप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है, आपके सारे ऑप्शंस आप काउंट करते चलिएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एनालॉजी बेस्ड। देखिए नंबर सीरीज में मैंने जो भी आपको ट्रेंड किया है डियर, अल्फाबेटिक का नंबर सीरीज बहुत ज्यादा काम आने वाला है हर क्वेश्चन में आपको। अब धीरे धीरे फील होते जाएगा आपको, धीरे धीरे फील होते जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जामिनेशन में काम आ रहे हैं और कितने टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बॉम्बे, बॉम्बे टू कीर्तना आगरा, अच्छा सेकंड का बॉम्बे, यस 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 सेकंड का बॉम्बे था, कीर्तना आगरा। रेफरी क्या है विकास माहौर जी, आप गेम्स नहीं देखते हैं क्या? फुटबॉल में आपके, हॉकी में आपके कौन होते हैं? रेफरीज तो होते हैं जो विसल लेके ब्लो करते हैं, आपको कार्ड शो करते हैं। ओके, आगरा आगरा आगरा, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस। और लॉजिक भी यहाँ पर आता हुआ एन स्क्वायर प्लस एन। अरे 12 और 156 कैसे जज करेंगे? 12 और 156 144 के आसपास आता है बिल्कुल। क्या डिफरेंस है? आपने देखा 12 का ही डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन लग रहा है? 12 स्क्वायर प्लस व्हाट 12, सेम थिंग मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा। 14 स्क्वायर प्लस 14, योर आंसर विल बी नथिंग बट व्हाट 196 प्लस 14 दैट इज 210, योर आंसर इज आगरा। अरे अंडरस्टूड और नॉट? तो आपका एन स्क्वायर प्लस एन का लॉजिक लग रहा है, आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, डिकोड भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। यस और नो? बिल्कुल। देखिए हर एक चीज जो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, सारी की सारी चीजें आपके व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी की सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें हमारा एग्जामिनेशन लेवल थोड़ा अच्छा रखना है। 2019 के क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा था, आगे के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। यस और नो? यस, वेरी गुड डियर वर्षा, वेरी गुड। श्रेयस कुमार, नीलेश प्रताप सिंह, 14 स्क्वायर प्लस 14। ओके, दिस इज स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, मतलब आपका मैट्रिक सिस्टम बेस्ड ही क्वेश्चन है। रो वाइज कॉलम वाइज एक पैटर्न ढूंढिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। बट वो पैटर्न हर रो और हर कॉलम में क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर हर रो और हर कॉलम के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, आइदर दिस और आइदर दिस। ओके, फाइंड आउट द आंसर। एंड गाइस मार्क योर अटेंडेंस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, मार्क योर अटेंडेंस। बॉम्बे 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 बॉम्बे, यस श्रेयस, आशुतोष, अख्तर, वेंकट, बॉम्बे, यस। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइस? माय डियर, जितने भी लाइव है एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द सेशन। यस, नीलेश, रितेश राज, आदिल, विकास, सौरभ, वर्षा, आदिल, वेरी गुड। 56 बॉम्बे। क्या हो रहा है? द लॉजिक इज व्हाट, हमने क्या देखा? 48 एंड 96 एंड 96 एंड 192। यस, क्या लॉजिक लग रहा है? इनटू 2, यहां पर भी इनटू 2 का लॉजिक लग रहा है। 39 into 2 is what 78, 78 into 2 is what 156. Yes, double 1 2 is 224. तो क्या करूँगा? Simple divided by 2 कर दूँगा. Your answer is nothing but your what Bombay, that is 56. Bombay, that is 56. Okay, this question was आपके 2019 का ही question paper था. आपके examination में यहाँ पर 56 नहीं दिया था, यहाँ पर कुछ different word दिया था 80. तो my dear देखिएगा आपके एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंट वर्ड दिया था? 80. तो दिस क्वेश्चन विल बी मार्क्ड एज व्हाट स्टार मार्क और मार्क फॉर ऑल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करके आपके लिए सही जो आंसर सही होना चाहिए था वो आपके लिए करके लाया है। यस और नो? आपके एग्जामिनेशन में एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में फेस करते हैं कि जिसमें अगर गलत है तो उसमें बिल्कुल मत घबराइएगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस मार्क फॉर ऑल हो जाते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन को मत जज करते रहिएगा कि मार्क फॉर ऑल वाला, पहले अपने पूरे लॉजिक लगा लिया करिएगा, ठीक है। उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं मार्क फॉर ऑल वाली, ठीक है। चलिए, अंडरस्टूड और नॉट? और गाइस बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लाइक के बटन पे हिट मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख ही नहीं रहे हैं, लाइक के बटन पे ज्यादा हिट नहीं रहे। आइदर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, और या फिर आपको चीजें समझ नहीं आ रही या फिर ज्यादा ही समझ में आ रही। ओके, सो मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन। ओके, यस, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, ये कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट 4। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सभी लोग अपने आंसर, सही आंसर गलत आंसर काउंट करके रखेंगे। ओके, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल डियर। और मैराथन सेशंस तो बहुत ही फेवरेट है। देखिए, आपका नया टॉपिक पे क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसको अटेम्प्ट करिए, एकदम आराम से अटेम्प्ट करिए। डायरेक्शन टेस्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। भले ही हमने इसको अच्छे से अभी पढ़ा नहीं है, हमारे आगे के सेशंस में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। यस यस, श्रेयस कुमार गुप्ता, बिल्कुल काउंट करते रहिए, मुझे बताइएगा लास्ट में सारे के सारे। सर, सेशन के पहले ही लाइक कर दिया? पहले नहीं डियर, जब आपको पढ़ने में मजा आए तब लाइक करते चलिए, तो और ज्यादा मजा आएगा। सर कल वाला पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था। ओके मैं एक बार फाइल चेक कर लूंगा, जो जो पीडीएफ मिसिंग है आज सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे पीडीएफ। ओके जो जो पीडीएफ मिसिंग है सारे के सारे फिजिक्स एंड व्हाट रीजनिंग सारे के सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज लिटिल बिट न्यू बट आप बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे आपको मिलेगा। हमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करके ही चलना है आज। वर्बल, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर रैंकिंग, हर चीज सॉल्व करेंगे आज हम। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है डियर। स्टूडेंट्स आर फेसिंग लिटिल बिट ऑफ ट्रबल इन द क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शन विजिबल नहीं रहते यू कैन कमेंट मी, ओके यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, वहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। ओके मैं सॉल्व करके बताऊं, शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन गाइस? यस वर्षा, 50 आउट ऑफ 50 डेफिनेटली स्कोर करना है। सौरभ तिवारी दिल्ली, केतन भागवत आगरा। चलिए व्हाट अबाउट इट, आशुतोष पांडे बॉम्बे, नजर अहमद। आंसर आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली में से करिए गाइस डियर। आपका 35 मीटर तो दो ऑप्शन में है। वर्षा सिंह आगरा, यस आगरा, बॉम्बे, दिल्ली, तीन आ चुके हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन दीजिए सर। ओके डियर माय डियर, बाकी आपके मैक्सिमम ये सेशंस में एसएससीजे में क्वेश्चंस तो इंग्लिश में रहेंगे, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। ओके नजर अहमद अगेन आई एम सेइंग प्लीज आंसर इन व्हाट ए बी सी एंड डी। आदिल अंसारी चेन्नई, ठीक है 25 लेफ्ट, बॉम्बे 25 लेफ्ट, दिल्ली, शिल्पी गुप्ता आगरा। चलिए देखिए आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली चारों आंसर्स आ चुके हैं। देखिए डायरेक्शन टेस्ट का आप सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, आगरा इज करेक्ट। यस वी विल चेक दिस आउट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी व्हाट कंसंट्रेटिंग ऑन द स्क्रीन। हर कोई स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेगा, हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। ठीक है डायरेक्शन टेस्ट में हम ब्रीफ में तो डिस्कस करेंगे बट हमेशा एक चीज याद रखना आपको, यहाँ पर फेसिंग का बहुत अच्छे से याद रखना है कि किस डायरेक्शन में फेसिंग है। ठीक है किस डायरेक्शन में फेसिंग है, फिर उस फेसिंग के हिसाब से मान लीजिए क्या ये नॉर्थ, जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं इट इज व्हाट नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर नॉर्थ डायरेक्शन की फेसिंग है, अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा लेफ्ट एंड राइट तो नॉर्थ डायरेक्ट की फेसिंग में क्या होगा, मेरा लेफ्ट नहीं इस पर्सन का लेफ्ट, इस पर्सन का लेफ्ट इज व्हाट दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ओके अगर साउथ की फेसिंग है, ठीक है अगर साउथ की फेसिंग है तो क्या हो जाएगा, इसका मेरा नहीं इस पर्सन का लेफ्ट, इस पर्सन का लेफ्ट ये हो जाएगा एंड दिस पर्सन का राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके यस यस नजर अहमद, ओके प्लीज वेट, चारों की चारों ऑप्शंस आ रहे थे। ओके मीनाक्षी गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है रैना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द बस स्टैंड, मतलब यहाँ पर कोई बस स्टैंड है, बीच में से डायग्राम बनाना शुरू करेंगे हम। ठीक है रैना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द बस स्टैंड टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट क्या हमारा दिस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, कितना गया हमारा 80 मीटर्स। ओके देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर। लेफ्ट क्या हो जाएगा इसका, ये वाला, ठीक है मेरा नहीं रैना का लेफ्ट, तो क्या होगा लेफ्ट टर्न करके कहां जाएगा 70 मीटर्स। देखिए बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन में, 70 मीटर जाएगा। अगेन उसके बाद क्या बोला, अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 55 मीटर, अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 55 मीटर्स। ओके वेट हियर, यस 55 मीटर लेफ्ट हो गया, देन अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक व्हाट राइट, राइट टर्न हुआ, अगेन लेफ्ट एंड राइट टर्न हुआ है और कितना गया 45 मीटर। ओके व्हिच साइड शुड शी टर्न नाउ एंड हाउ मच डिस्टेंस शुड शी वॉक so that she is what 150 meter north from the bus stand। मतलब किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड से अगर मैं नॉर्थ जाऊंगा कितना 115 इट इज नथिंग बट व्हाट योर 70 प्लस 40 है, मतलब ये दोनों सेम एल्टीट्यूड पे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। और यहाँ से आपका ये फाइनल पॉइंट, आपका ये वाला ये ओरिजिन या फिर आप इसको मान लीजिए आपका कोई भी रेफरेंस पॉइंट कितना दूर है, पहली बात तो लेफ्ट साइड में आएगा और कितना दूर है 80 माइनस 55 आपने किया तो कितना बचा 25, दैट इज लेफ्ट 25 मीटर। अरे अंडरस्टूड और नॉट, किन दोनों पॉइंट के बीच पूछा है, फाइनली ये इसकी फाइनल पोजीशन है और इसके रेफरेंस में पूछ रहा है, इसके रेफरेंस में पूछ रहा है तो क्या लेफ्ट में 25 मीटर्स। अरे अंडरस्टूड और नॉट, यस तो आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाले, बस दो कॉन्सेप्ट से चलेगा। बट आपको हमेशा फेसिंग पे ध्यान देना है, फेसिंग पे फिर लेफ्ट राइट हमारा नहीं, उसका उस पर्सन की फेसिंग का लेफ्ट राइट यूज करना है। जैसे अगर मान लीजिए ईस्ट फेसिंग है तो ये उसका लेफ्ट हो गया, ये राइट। ओके, रटना नहीं है आपको, सारी चीजें डायरेक्टली समझ में आ जाएगी। वेस्ट फेसिंग है, लेफ्ट की बात करें तो ये उसका लेफ्ट हो गया एंड दिस इज इट्स राइट। यस और नो? यस। तो बहुत ही शांति से चलेंगे, पेशेंसली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हड़बड़ी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमें एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 6, अगेन न्यू टॉपिक, व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करेगा। Which two signs and what two numbers should be interchanged to make the given equation? मतलब इस आपको याली इक्वेशन दी है, आपको equals to 81 लाना है, तो ऐसे कौन से दो साइन या फिर ऐसे कौन से दो नंबर को मैं इंटरचेंज करूंगा कि मेरा आंसर 81 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे हर ऑप्शंस में और हम ऑप्शंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यस और नो? फॉर लेट अस सपोज आपका क्वेश्चन क्या है, 27 + 66 - 7 + 21 × 4 = 81। अगर इंटरचेंज करने का बोला है, जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं, इंटरचेंज करने का बोला है साइंस और नंबर, तो सबसे पहले नंबर को इंटरचेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को इंटरचेंज करेगा फिर साइन को। तो आपका बहुत ध्यान से होने वाला क्वेश्चन, 66 एंड 21 को इंटरचेंज करना है तो 27 ऐसा की ऐसा लिखा है ना, साइन अभी मत लिखे, 66 की जगह क्या आना चाहिए 27, 7 वैसे रहेगा, 21 की जगह आएगा 66 और 4 की जगह 4 और = 81। अब साइन को देखिए, साइन में कौन कौन से इंटरचेंज करना है, प्लस एंड माइनस, तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। ओके, दिस इज व्हाट, अगेन इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, यस, अगेन इसकी जगह आ जाएगा क्या माइनस, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा डियर × 4। ओके, इंटू का इंटू कोई भी इंटरचेंज नहीं, × 4। यस और नो? ओके, वन, यहाँ पर एक करेक्शन है डियर, यहाँ पर एक करेक्शन, इट इज नॉट प्लस, ये आपका प्लस नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये आपका डिवाइड होना चाहिए, ये आपका डिवाइड है, ये साइन आपका डिवाइड है इक्वेशन में, ये प्लस नहीं है, ये साइन आपका डिवाइड का साइन है। ओके, करेक्ट कर लीजिए, एवरी स्टूडेंट करेक्ट दिस, दिस इज व्हाट योर डिवाइड साइन, दिस इज व्हाट योर डिवाइड साइन। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये आपका डिवाइड साइन, तो डिवाइड साइन आपका वैसा की वैसा ही रहेगा। यस और नो? चलिए, अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, सिंपल है, जस्ट अप्लाई व्हाट बॉड मास, BODMAS। बॉड मास क्या होता है डियर, आप सभी को मैं अटेम्प्ट करने के लिए मौका दूंगा। वर्षा सिंह इज आंसरिंग व्हाट, आगरा। यस, 1 सेकंड गाइस, सबसे मैं कैसे अप्लाई करूंगा इक्वेशन सीखे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बॉड मास के थ्रू करते हैं। दैट इज व्हाट, आपकी सीरीज हमेशा ऐसी ही चलेगी, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जो भी ऑपरेशन रहेगा वो लगाएंगे, उसके बाद व्हाट डिवीजन, then what multiplication, then what addition, then subtraction। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे भी सबसे पहले डिवीजन होगा, मतलब इस इक्वेशन में सबसे पहले डिवीजन करूंगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। अरे यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट? हम ब्रीफ में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, बट आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं आज आपको पूरा की पूरा 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम है, उसका ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, हर एक ऑप्शन में प्रोसेस लगाकर देखिए, फिर देखिए आंसर क्या आ रहा है। एंड प्लीज करेक्ट दिस, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज डिवाइडेड बाय। ओके, वर्षा आगरा, नितिन तिवारी दिल्ली। यस, चलिए, एवरी स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट दिस। नया कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठ के सर सिखाएंगे तभी करेंगे। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर दोनों चीजें इंटरचेंज हो रही, पहले नंबर को इंटरचेंज कर दिए, फिर साइन को, और बॉड मास लगाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। सब जगह निकाल के देखिए 81 आ रहा है कि नहीं। यस, नितिन तिवारी दिल्ली। ओके, वी विल चेक आउट द कीर्तना दिल्ली। चलिए, सारे ऑप्शन चेक करिए, सभी को टाइम मिलेगा। अच्छा, वर्षा सिंह इज सेइंग नो, अच्छा आगरा ही बोल रहे थे आप। सौरभ तिवारी दिल्ली। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नया कॉन्सेप्ट है लेकिन एसएससी में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है। व्हाट योर मैथमेटिकल ऑपरेशन, सारे टॉपिक हम हमारे आगे की क्लासेस में डिस्कस करने वाले, कितनी वैरायटी से आ सकता है डिस्कस करेंगे, बट आज आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं मैं कि आपका 50 मार्क्स का पेपर दिखेगा कैसा। ओके वर्षा, सॉरी तो ठीक है, बट ये आपके रॉन्ग क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा, काउंटेड एज व्हाट योर रॉन्ग आंसर। ओके दिल्ली, आपने निकाल लिया, काफी अच्छी बात है। वो सही है कि नहीं उसे भी हम चेक करेंगे। देशमुख जी 66/7 हमें क्या चेक करना है, इक्वल्स टू 81 आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली डिवाइड नहीं होता, ओके यस वेरी गुड, यस आई एम कमिंग ऑन टू दैट। आशुतोष पांडे दिल्ली, चलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, यस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट माय डियर ऐसे क्वेश्चंस को स्पीड से कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं डिवीजन करूंगा, सबसे पहले डिवीजन 7/66, कोई भी डायरेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, इनटू 4 से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं डेसिमल्स में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है तो इनटू 81 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर ए बिल्कुल खारिज हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर को इंटरचेंज करिए। ठीक है, 4 और 7 को इंटरचेंज करना, बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे, 7 की जगह 4 आ गया 21 एंड 4 की जगह 7 इक्वल्स टू व्हाट 81। अब साइंस को इंटरचेंज करेंगे, प्लस एंड मल्टीप्लाई इंटरचेंज होना चाहिए, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस, सिंपल मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा अगेन 4/21, 4/21 यहाँ पर 27/66 बहुत बड़ी संख्या जा रही है, ये अगेन डेसिमल में जा रहा है तो ये भी आपका इक्वल्स टू 81 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, चेन्नई ट्राई करिए, 27 और 7 इंटरचेंज होगा तो 27 की जगह 7, 66 वैसा ही 7 की जगह क्या आ जाएगा 27, फिर 21 लिखिए और 4 इक्वल्स टू 81, यस और नो। अब साइन इंटरचेंज करेंगे, प्लस एंड डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड, माइनस वैसा ही डिवाइड की जगह प्लस और यहाँ पर इनटू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 7/66 नहीं जा रहा है, दिल्ली ट्राई करिए माय डियर, दिल्ली ट्राई करिए व्हाट 27, 66 और 7 की जगह क्या आ जाएगा 4, 21 और 4 की जगह आ जाएगा 7 इक्वल्स टू व्हाट 81। अब साइन इंटरचेंज करेंगे हम 27 ओके प्लस 66 और कौन कौन सा डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज हो रहा है तो माइनस वैसा कि वैसे ही आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड होके क्या होगा ये 3, 4 × 3 होके क्या होगा 12, क्या हो जाएगा 4 × 3 होके क्या हो जाएगा 12, तो 27 + 66 -12 इज व्हाट नथिंग बट 18, यस योर आंसर इज व्हाट दिल्ली। अरे अंडरस्टूड और नॉट कैसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, ओके आंसर में इन कमेंट सेक्शन, सेशंस को इंटरेक्टिव बनाएंगे जितना हो सकता है, ओके इंटरेक्टिव बनाएंगे, यस बॉड मास से सोचिएगा, ब्रैकेट ओके ऑपरेशन व्हाट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सीरीज हमेशा फॉलो करिएगा नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यस और नो। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप 2019 का क्वेश्चन की कितनी बढ़िया ब्यूटी आ रही थी माय डियर। आपका बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कौन से वाले कि कहीं पर अगर साइन इंटरचेंज कर दिया या फिर कहीं पर नंबर इंटरचेंज कर दिया, बट इस क्वेश्चन में देखिए दोनों की दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो उसको भी हम गलती ना हो इसलिए पहले नंबर को इंटरचेंज करके लिखे फिर साइन को इंटरचेंज करके लिखे, आपका बहुत ही कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यस और नो। यस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन मैंने उसको भी शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कैसे कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप अपने लॉजिक से जज कर सकते हैं डियर, ओके हर क्वेश्चन को आप अपने लॉजिक से जज कर सकते हैं, यस यस यस। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट 7 इज व्हाट सिमिलैरिटी बेस्ड। सिमिलैरिटी के हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जब एनालॉजी और ऑड वन आउट हम ट्राई कर रहे थे, मजा आ रहा है, जोश इज हाई, यस केतन यस यस जोश मस्ट बी हाई। पूरा की पूरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आज आप देखने वाले आपकी आंखों के सामने और सेम ऐसा ही पेपर इससे थोड़ा बहुत वेरी होकर एग्जाम में आएगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट सारे के सारे स्कोर कर पाएंगे, ओके ये आपको एक यहाँ पर कुछ नंबर्स या उनके बीच में कुछ रिलेशन है, सेम रिलेशनशिप आपको कहाँ फाइंड आउट करनी है आपको ऑप्शंस में, ओके बिल्कुल भर जाइए क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट अटैक ऑन व्हाट क्वेश्चन। केतन भागवत इज आंसरिंग दिल्ली, ब्यूटीफुल केतन वेरी गुड, आंसर क्या है वो हम चेक करेंगे आगे। वर्षा सिंह दिल्ली, नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली, यस यस सभी लोग बिल्कुल इंटरेक्टिव है, जितने लाइव चाहे उतने के उतने आंसर चाहिए मुझे यहाँ पर। रेशमा सिंह दिल्ली, यस काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं हमारे सेशन में, दे आर आल्सो आंसरिंग वेरी गुड, लाइव ही अटेंड करिए माय डियर मैराथन सेशन तो बिल्कुल। नितिन तिवारी, सौम्या, नीलेश, मीनाक्षी, यस यस नीलेश वेरी गुड। नीलेश आपने लॉजिक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिकोड किया, यहाँ पर 2 लॉजिक से भी आप जा सकते थे, ओके। अनुभव सिंह दिल्ली, नितिन तिवारी दिल्ली, रंजन, रेखा कुमारी, चिन्मय, रितेश राज यादव, मीनाक्षी दिल्ली दिल्ली। क्या हो रहा है 16, 128 एंड व्हाट 256, ठीक है 16 का 256 के साथ तो हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है, इट इज व्हाट 16 का स्क्वायर। 128 के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर 2 रिलेशन हो सकती है, क्या इनटू 8 भी बोल सकते हो आप, आइदर यू कैन से व्हाट 16 स्क्वायर बाय 2, तो क्या बोलना ज्यादा बेटर रहेगा इनटू 16 और इनटू 8 और 16 स्क्वायर बाय 2। देख लेते हैं ऑप्शंस में आप चेक करोगे तो आपका कहीं पर भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन में डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सेकंड्स में आप जज कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखा ये 18 इसका स्क्वायर आ रहा है, इसको करके देखिए इंटू 8 मतलब क्या हो रहा है इसका हाफ इंटू, और आप ये भी बोल सकते हैं इट इज व्हाट 18 का स्क्वायर बाय 2। ओके योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट योर डेली। अंडरस्टूड और नॉट। तो इतने बड़े बड़े सिल्वरेटिक क्वेश्चंस भी आपने डायरेक्ट उड़ा दिए। जैसे ही आपने यहाँ पर देखा डायरेक्ट स्क्वायर, तो भैया स्क्वायर हम डायरेक्ट पहचानते हैं ना, भले हाफ का हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो बाकी जगह बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे के सारे ऑप्शंस गलत है, योर आंसर डेली इज करेक्ट। यस और नो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग फेज है, बहुत सारे टॉपिक नए भी तो हैं आज आपके, लेकिन आप देख तो सकते हो, आप समझ तो सकते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। स्क्वायर इज नींद वाला क्वेश्चन, अरे इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल स्क्वायर्स और क्यूब्स एंड एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर एंड एन प्लस एन स्क्वायर हर किसी को एकदम ऐसे ढाल लेना है कि आपको नींद से उठा के पूछा जाए, तो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट योर सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हटके हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आर सेम, कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सर एग्जैक्ट का फंडा अप्लाई किया है, वो भी चलेगा डियर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, वही बेटर है, डायरेक्टली स्क्वायर वाला फंडा बेटर है। नीलेश प्रताप सिंह बॉम्बे, ब्यूटीफुल डियर। देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा सेम चलेगा, भली कितनी ही वैरायटी आ जाए। यस यस, आंसर्स बिल्कुल आते हुए। आशुतोष, सौरभ तिवारी, शुभम, बादल, रेशमा, रिया, केतन, रंजन, रितेश राज यादव, ब्यूटीफुल डियर बॉम्बे। अरे ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते रहे, नाम रोशन कर दिया आज आपने हमारा। बिल्कुल, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑल जिम्नेशियम्स हैव वन एन इलेक्ट्रिक मशीन। तो क्या बोल रहा है, सारे के सारे जिम्नेशियम्स के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक मशीन्स होती है। एंड व्हाट सिंपल, पी इज अ जिम्नेशियन, मतलब पी क्या है यहाँ पर, कोई पी है, पी इज व्हाट, पी इज व्हाट जिम्नेशियन, एक पर्सन पी है, पी इज व्हाट जिम्नेशियन। यस डियर, यस। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब कंफ्यूजन पे जंप करेंगे। प्लेसेस अदर देन जिम्नेशियम डू नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक मशीन, मतलब आपको जो पहले कंफ्यूजन में कंफ्यूजन आते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके स्टेटमेंट में बोल दिया है, तो यहाँ पर भी आपको समझना चाहिए। प्लेसेस अदर देन जिम्नेशियम डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक मशीन, जिम्नेशियम के अलावा वाली जो प्लेसेस है उनके पास क्या इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ये आपका कंफ्यूजन वन सरासर यहाँ पर गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है माय डियर। ये क्या हो रहा है, आपके जिम्नेशियम के बाहर भी तो कुछ इलेक्ट्रिक मशीन है जो जिम्नेशियम नहीं है लेकिन उनके पास भी इलेक्ट्रिक मशीन है, तो यहाँ पर कंक्लूजन सरासर गलत हो रहा है। उसके बाद P has an electric machine. Yes, P is a gymnasium and all the gymnasium has electric machine. तो आपका कॉट conclusion to absolutely correct, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। Only conclusion to follows. Okay, yes or no? अरे कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने खुद के क्वेश्चंस काउंट करिए ना, दूसरों पे क्यों ध्यान दे रहे, खुद के क्वेश्चंस काउंट करिए। सर ऑल स्टेटमेंट आर व्हाट पॉजिटिव, फर्स्ट वाला पोर्शन एलिमेंट। डियर डायरेक्टली ऐसे जंप मत करिएगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे जंप मत करेगा। चिन्मय कुमार, यस योर लॉजिक इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, बट डायरेक्टली ऐसे जंप मत करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए, हार्डली 2 to 3 सेकंड्स विल बी एक्स्ट्रा, बट योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। यस और नो। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। कम ऑन गाइस, ऐसे हल्के क्वेश्चंस को तो बहुत स्पीड से आंसर करना हमें, ठीक है, हम टाइम लेंगे, लेंथी क्वेश्चन में अच्छे से टाइम लेंगे, जहां कॉन्सेप्ट सीखना हो अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस को तो बहुत ही स्पीड से आंसर करना। आंसर्स आता हुआ यहाँ पर रिया कुमारी, नीलेश प्रताप, आगरा एंड आगरा। यस सौम्या, रिया, बादल, यस यस, सभी के आंसर्स आगरा आते हुए लाइन से एकदम। क्या रेन वाटर, मतलब रेन गिव्स व्हाट, वाटर, रेन गिव्स वाटर। वैसे एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट से क्या मिलेगा, इंटरव्यू, कॉलेज, अर्निंग, सारी चीजें रिलेटेड है, बस स्टेटमेंट्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट से हमें क्या मिलेगा, अर्निंग मिलेगा, व्हाट, पैसे आएंगे, हमारी जैसे ही जॉब लगेगी क्या आएंगे, पैसे आएंगे। यहाँ पर हर लोग, हर स्टूडेंट क्यों फाइट कर रहा है, फॉर व्हाट, अर्निंग एंड अ गैजेटेड जॉब। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट से मिलेगा, योर आंसर विल व्हाट आगरा। तो आंसर वी गॉट आगरा, एब्सोल्युटली यस। हलवा भी आएगा डियर और थोड़े से आपके ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस फाइट करते आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया माय डियर, देखिए आपका कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आपका सिंपल वर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप यार क्वेश्चन क्रैक करके ले जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं बायो से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जीके से भी क्वेश्चन आते हैं। आई हैव व्हाट टोल्ड यू, तो सॉल्व करिए वाला क्वेश्चन, चलिए है ना। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, ठीक है। बहुत हलवा खा लिया, थोड़ा सा और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करना सीखिए। यस, पैसा, अच्छा आफ्टर क्वालिफाई एसएससीजेई पैसा ही पैसा। डियर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट डू नॉट टॉक माय डियर, आपस में बात मत करिए, आंसर पे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। एंड यस, शुभम श्रीवास्तव आंसरिंग चेन्नई, कीर्तना चेन्नई, वेंकट भाई चेन्नई, वर्षा चेन्नई, रिया कुमारी आगरा, सौम्य त्रिपाठी बॉम्बे, आगरा मूवमेंट चेन्नई, केतन भागवत चेन्नई। तीन आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। सब लोग अपने खुद के आंसर दीजिए, हम चेक कर लेंगे क्या हो रहा है। रेशमा शेख, नितिन तिवारी, नीलेश प्रताप सिंह, मीनाक्षी। देखिए अगर आपका आंसर बाकी स्टूडेंट से अलग आ रहा है बिल्कुल मत घबराइए, जो आंसर आपका आ रहा है वही दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मेजोरिटी जहाँ जा रही हो सही ही हो। ओके, सौरभ तिवारी चेन्नई, आशुतोष पांडे चेन्नई। यस, व्हाट इज हैपनिंग यार, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, बर्थ एंड इन्फेंट, मतलब कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की बात हो रही है। व्हाट, ह्यूमन बेबी। ओके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात हो रही है ह्यूमन बेबी का, तो क्या होता है पूरी की पूरी प्रोसेस में। चलिए गाइस आपस में मत डिस्कस करिए। आई एम अगेन वार्निंग यू, ठीक है। योर होल कंसंट्रेशन शुड बी ऑन व्हाट, स्क्रीन। क्या फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस की बात हो रही है, तो सबसे पहले व्हाट, सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले व्हाट, स्पर्म फॉर्मेशन से शुरुआत होती है डियर, स्पर्म फॉर्मेशन से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आपका व्हाट, स्पर्म एग एंड व्हाट, एग दोनों की मिलके क्या बनाते थे, जायगोट बनाते थे। दोनों क्या एक सिंगल सेल बनाएंगे जो कि क्या होता था, जायगोट होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा व्हाट, योर स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज 2। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे वो मीट करेंगे जायगोट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, एम्ब्रियो बनता था। जो आपके फीटस की अर्ली स्टेजेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते थे। फिर उसके बाद क्या होगा, बर्थ होगा। फिर बर्थ होके जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, इन्फेंट। 21345 21345, योर आंसर इज नथिंग बट चेन्नई। अंडरस्टूड और नॉट? कैसे होता था, जब आपके दोनों स्पर्म सेल एंड व्हाट, एग दोनों मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पर जायगोट बनता है डियर। व्हाट, जायगोट सिंगल सेल बनता है। फिर उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन होते रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका जो अर्ली स्टेजेस होती है 1 to 8 वीक्स की जो स्टेजेस होती है 1 to 8 वीक्स, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे ही 9th वीक लग जाता है लगभग, उसके बाद हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, फीटस। अरे अंडरस्टूड और नॉट? यस डियर, आई हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर दैट। ओके, चलिए बिल्कुल क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। यू आर व्हाट वन ऑफ माय कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू से दैट। ओके चलिए, अरे समझ में आया कि नहीं प्रोसेस? बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत हलवा हलवा खा रहे थे डियर कि एम्प्लॉयमेंट से अर्निंग मिलेगी एंड ऑल। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट योर सेम सेट, सारे क्वेश्चन सेम सेट के। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई 21345। यस और नो? तो हमें हर डायमेंशन से प्रिपेयर रहना एग्जामिनेशन में। यस यस, ओके चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शंस, अगेन व्हाट, यहाँ पर आपका डबल डॉट है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा लॉजिक आपको पर्सनल भी लगाना पड़ेगा मिस टाइपिंग पे, ठीक है। R N and I J as related, then how is H X and this as related? यहाँ पर आपके डबल डॉट है ये, ठीक है, मिस टाइप द क्वेश्चन। Come on guys, find the logic, find the logic। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये भी, और बढ़िया थोड़े से नए टॉपिक, नए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। मजा आ जाएगा यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या बढ़िया चीज देखने को मिली यहाँ पर। नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली, यस नीलेश प्रताप सिंह सिंह व्हाट, +2 लगाइए माय डियर। +2 कहाँ +2 कर रहे हैं आप? यू आर सेइंग डिवाइडेड बाय 2। ओके ओके, साइन थोड़ा समझ में नहीं आया। यस वेरी गुड, चिन्मय साहू दिल्ली, आशुतोष पांडे दिल्ली, वर्षा सिंह दिल्ली। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, आर एन इज रिलेटेड टू व्हाट, आई जी। ओके, हाउ इज एच एंड एक्स इज रिलेटेड, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या 18 से 9 जा रहा हूँ, +- 9 हो रहा है, 14 7 डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखा 18 to 9 क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, 14 to 7 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब क्या करूंगा 8 divided by 2 is nothing but what? 4. 24 divided by is nothing but what? Your 12. That is DL. Your answer is what? Delhi. अरे अंडरस्टूड नॉट डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 2. अरे कुछ भी समझ लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है. हमें तो लेफ्ट टू राइट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, तो व्हिच आर नथिंग बट सेम. अंडरस्टूड नॉट? ब्यूटीफुल क्वेश्चन यार. देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज से भी कितने बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं. मतलब आपको सारे के सारे लॉजिक, सारे के सारे व्हाट फेस वैल्यू सारी आपको याद रहनी चाहिए. बैकवर्ड फेस वैल्यू के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा. बैकवर्ड फॉरवर्ड तो समझ लिया, बैकवर्ड के लिए भी एग्जाम में प्रिपेयर रहिएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये भी इसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है. बैकवर्ड को कैसे जज करते थे? अगर आर की फेस वैल्यू 18 है तो बैकवर्ड से आर की वैल्यू क्या आएगी डियर? बैकवर्ड सीरीज से आर की वैल्यू कैसे आएगी? 27 - 18 करेंगे. उससे बेहतर हम क्या कर लेंगे, इसका अपोजिट पेयर क्या होता है? आई होता है अपोजिट पेयर. आई की फॉरवर्ड फेस वैल्यू इज व्हाट? 9. तो आपकी बैकवर्ड फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 9. अंडरस्टूड और नॉट? तो आने वाले ईयर के क्वेश्चंस के लिए बैकवर्ड फेस वैल्यू यस 27 से तो माइनस कर देते. जब हमें माय डियर कोई नया क्वेश्चन ग्रास्प करना हो, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं r इज कोडेड एज 9 लिखा हो, या फिर ऐसा होता हाफ पे जाने से अच्छा बैकवर्ड फेस वैल्यू. ओके, बैकवर्ड फेस वैल्यू पे भी ध्यान देंगे. यस, योर आंसर इज 9. कैसे देखेंगे? अपोजिट पेयर से आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा, नहीं तो 27 - 1 आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बिल्कुल. यस, इंडियन रेलवेज नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बैकवर्ड फेस वैल्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि लेवल जैसा बढ़ते आ रहा है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी टू व्हाट आपकी कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज में ये भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है. ठीक है, तो अपोजिट पेयर, फॉरवर्ड सीरीज, बैकवर्ड सीरीज, क्रॉस पेयरिंग, अपोजिट पेयरिंग, सारी की सारी चीजों को ध्यान रखेंगे हम. काफी अच्छे से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये सारे के सारे टॉपिक आपसे. ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इट इज योर क्वेश्चन नंबर 12. अरे बीच-बीच में बताते भी रहिए, मजा आ रहा है कि नहीं. अरे पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर निकाल के आपके सामने रख दूंगा यहाँ पर, पूरे 50 क्वेश्चंस का. सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, समझ में आएंगे, और आगे के मैराथन सेशन में तो और भी अच्छे तरीके से होने वाला. आशुतोष चेन्नई, नीलेश बॉम्बे, सौरभ बॉम्बे, रेशमा बॉम्बे, आशुतोष पांडे बॉम्बे. ओके, आशुतोष पांडे जी आपका आंसर चेन्नई काउंट होगा भैया आपके मार्किंग में. देश प्रताप सिंह स्क्वायर. ओके, वेंकट भाई बॉम्बे. यस, क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल, 22484 22484 मतलब बीच वाले डिजिट का एडिशन हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है? 22 × 22 दैट इज व्हाट 22 का स्क्वायर. वैसे ट्राई करिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आप ट्राई करिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 576 व्हिच इज नथिंग बट बॉम्बे. अंडरस्टूड और नॉट? यस, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं. देख सकते हैं आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड स्क्वायर प्लस एन कितने ज्यादा वैल्यूएबल है. यस और नो? चलिए, और बीच बीच में बताते भी रहिए भैया, मजा आ रहा है कि नहीं. सेशन तो बिल्कुल चलता ही रहेगा आगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे हम. और आज सेशन के एंडिंग में आपको एक और बहुत ही बढ़िया चीज भी देने वाला हूं मैं. थोड़े से पजल्स के क्वेश्चंस भी करेंगे हम, तो उसके लिए भी वेट करेगा सेशन के एंड तक. एनर्जी बिल्कुल हाई रखिए, थकना नहीं है डियर. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे और इंपॉर्टेंट भी. उसी के साथ आपका व्हाट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता हुआ, व्हाट अल्फा टू न्यूमेरिक कोडिंग, अल्फा टू न्यूमेरिक कोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आता हुआ. ठीक है, फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर. ब्यूटीफुल क्वेश्चन डियर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एक और नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पर यहाँ से एड ऑन हो जाएगा, बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. मजा नहीं आ रहा है मनोहर जी को, मजा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा फिर डियर? बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अच्छे लेवल के ला लिए, प्रैक्टिस सेशन अच्छे लेवल के ला लिए. ओके, चेन्नई. ओके, 13th. यस, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 का चेन्नई. वेरी गुड. चेन्नई डिजिटल सम, वर्षा सिंह चेन्नई चेन्नई चेन्नई, मीनाक्षी कुमारी बॉम्बे, बादल चेन्नई. क्या हो रहा है? योर FRIGHNT इज कोडेड एज व्हाट 6999782. ठीक है, हर डिजिट का यहाँ पर सिंगल डिजिट है सामने, मतलब व्हाट आपका नहीं तो 18 को कई बार हम सिंपल 18 भी लिखते थे, लेकिन हर एक की सिंगल डिजिट है. मतलब क्या हो रहा होगा, ये 18 का हाफ हो रहा है. f का तो 6 होता है माना, ये 18 का हाफ हो रहा है क्या? नहीं, इट इज व्हाट 1 + 8 इट इज व्हाट 1 + 8. i का 9, g का 7, h का 20, t का क्या होता है 20 दैट इज 2 + 0 दैट इज व्हाट 2. सेम चीज में क्या करूंगा, प्लॉम है, p l o u g h ओके 16 का क्या हो जाएगा डियर 1 + 6 दैट इज व्हाट 7 L का जगह 12 दैट इज व्हाट 3 O का जगह 15 दैट इज व्हाट O का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 2 1 दैट इज 3 फिर उसके बाद क्या होगा 7 and 8 7 3 6 3 7 8 7 3 6 3 7 8 योर आंसर इज नथिंग बट चेन्नई। अरे समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट एक बार आप सीख गए सारी चीजें आप समझ जाओगे योर आंसर इज चेन्नई डियर। ओके 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 यस मनोहर ओके आई हैव अंडरस्टूड योर सार्काज्म ओके नो इश्यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर 8 R का 18 को मैं यहाँ पर 9 से भी रिलेट कर सकता था लेकिन हाफ हो रहा है क्या हाफ नहीं हो रहा है हाफ होता तो यहाँ पर 10 आता डियर लेकिन हर नंबर के पास क्या है हर नंबर के पास एक डायरेक्ट डिजिट रिलेटेड है ओके यस और नो तो इसलिए हमें क्या समझ गया डिजिट का सम आया डायरेक्ट का डायरेक्ट आएगा और डबल डिजिट वाले का क्या हो जाएगा सिंपल उन दोनों का एडिशन हो जाएगा यस और नो यस। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट यहां पर आपका क्या आ गया 1 सेकेंड यस ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट नया क्वेश्चन है ट्राई करिए अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए बन जाएगा नहीं तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। यस क्वेश्चन नंबर 14 अरे बादल जी 45 + 1 45 + तो कंफर्म है ही हर एक मार्क्स स्कोर करना है ताकि क्या हो आप यहां से जो मार्क्स लेके जाए आपको मेरिट तक के फायदा हो हर एक मार्क्स माय डियर आपको मेरिट तक के फायदा करेगा और बहुत थोड़े से एफर्ट में यू कैन व्हाट स्कोर 50 ओके। कीर्तना चेन्नई ब्यूटीफुल डियर बहुत ही बढ़िया। वर्षा सिंह 14 का चेन्नई अच्छा 14th नंबर क्वेश्चन यस द क्वेश्चन नंबर इज 14 शुभम श्रीवास्तव चेन्नई आशुतोष पांडे चेन्नई बादल चेन्नई हर टॉपिक से देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और बीच बीच में हर जगह आपको अल्फाबेटिक और नंबर सीरीज से क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं यस और नो। रिया कुमारी चेन्नई चलिए देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर ओके आर यू गाइस रेडी क्या हो रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है 6 फ्रेंड्स व्हाट यहाँ पर क्या रहेगा ये आपका क्यू है ठीक है ये आपका क्यू है थोड़ा सा समझ जाइएगा यार ठीक है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं भैया कौन आपके 6 लोग बैठे हैं 3 3 6 3 6 पर्सन आर सिटिंग तो आपने क्या लगा ये सर्कुलर टेबल होगा ये चेयर लगाई थी और इसका क्या होगा सेंटर यस सी इज करेक्ट सर सर्कुलर सिटिंग में प्रॉब्लम होता है कोई बात नहीं रितेश राज यादव आगे हम ब्लड रिलेशन और सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आगे क्लासेस में करने वाले हैं आज हमें पूरा की पूरा क्वेश्चन देखना है पूरा की पूरा क्वेश्चन सेट देखना है इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन विद यू ठीक है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए आपके टॉपिक्स के। आगे क्या बोला इनने S is sitting between what R and P S is sitting देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में सर्कुलर की खासियत क्या होती है कहीं से भी शुरू करके कहीं से भी बैठा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होती आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो Your answer is what? Same. Your answer will be same. तो क्या बोल रहा है? S is sitting between what? R and P. Circular arrangement और blood relation की ऐसी बढ़िया-बढ़िया ट्रिक दूंगा ना my dear. आपके क्वेश्चंस बहुत सारे डायरेक्टली बनने वाले हैं. Yes. एक बार देख लीजिए मीनाक्षी जी कोई दिक्कत नहीं. Yes, you have done the answer. Very good. बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुके हैं. S is sitting between what? R and P. उसके बाद क्या बोल रहा है? Q is second to the right of T. Q is second to the right of T. ठीक है. Q कहाँ पर है? T के second to the right में. First. And what second? This is first, second to the right of what? T. अभी हमको T और Q का रिलेशन इस डायग्राम में नहीं पता तो हमने यहाँ पर अभी नहीं बनाया ठीक है। P is to immediate left of T. P कहाँ रहेगा? Immediate left of what? T. Then आगे who is sitting? तो P कहाँ रहेगा? Immediate left of T. अगर P यहाँ पर है, T यहाँ पर है। अगर एग्जाम में आपको फेसिंग नहीं दी है तो हम क्या मान के चलेंगे? Everybody is facing what? Center. Everybody is facing center. तो P कहाँ है? टी के इमीडिएट लेफ्ट है तो ये आपके आगे टी की पोजीशन और टी का माय डियर ये टी का लेफ्ट है ये टी का क्या है राइट है और राइट के सेकंड पोजीशन पे क्या हो गया फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड पोजीशन पे किसको बैठा दिया क्यू पे सिर्फ एक जगह खाली बची है दैट इज व्हाट यू तो आपकी लास्ट पोजीशन में कौन आ गया यू क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ यू, ये यू है, यू की फेसिंग क्या है, इस साइड की फेसिंग है, तो यू का क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या होगा, यू का लेफ्ट, दिस पोर्शन इज व्हाट, राइट, तो यू के राइट में कौन बैठा है डियर, यू के राइट में कौन बैठा है, दैट इज नथिंग बट क्यू, योर आंसर इज चेन्नई। अंडरस्टूड और नॉट, फेसिंग और उसका लेफ्ट राइट हमेशा ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है, आपको डायरेक्शन में और हर जगह काम आने वाला है। यस, आर एस पी टी यू क्यू, यस केतन भावत, योर अरेंजमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे सही है कि नहीं, तो सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर अरेंजमेंट का भी आप क्वेश्चन देख चुके हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब जब मैं क्लास में आपको वैरायटी कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है कि किस किस चीजों को हम पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। या सर नो, बहुत ही बढ़िया। तो जो भी नई चीजें आएगी उसको खुद से ट्राई करिए, नहीं तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बैठा ही हूँ। बिल्कुल किस पे ध्यान देंगे, फेसिंग को कभी नहीं छोड़ेंगे, फेसिंग पे हमेशा ध्यान देंगे। सबसे पहले फेसिंग, फिर उसके बाद क्या, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट पे हमेशा ध्यान देंगे। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 15। अगेन एनालॉजी, फाइंड अ सिमिलर पेयर, की सिमिलर पेयर पे नंबर सीरीज और माय डियर अल्फाबेटिकल सीरीज से देखे, क्या भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतना ज्यादा एम्फसाइज करके पढ़ाया था मैंने ये टॉपिक आपको। यस द वर्षा, द क्वेश्चन वाज वेरी नाइस हियर। Hello Pallav sir, yes Pallav sir is also in our comment section. Yes, thank you sir. Yes, yes the questions are very beautiful sir. 2019 के questions काफी अच्छे आए थे। Guys say hello to Pallav sir. Okay, and have you watched Pallav sir's session or not? Pallav sir का session देखा था कि नहीं, launching का जो हमारा नया channel शुरू होने वाला GS Terminal। चलिए आंसर्स आते हुए यहाँ पर आगरा आगरा आगरा। यस रंजन कुमार, मनोहर, वर्षा सिंह, राजेश, सौम्या त्रिपाठी, कीर्तना, आशुतोष पांडे, आगरा, बहुत ही ब्यूटीफुल डियर। क्या हो रहा है, 480। अरे भैया लॉजिक बता दिए सभी लोग। यस यस, मैनी मैनी ग्रीटिंग्स फॉर यू पल्लव सर फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। यस आगरा। चलिए कोई, कैन समबडी टेल मी द लॉजिक, लॉजिक तो आपको पता ही है, जस्ट बताइए। यस रंजन कुमार, ब्यूटीफुल। अरे इसकी आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, एन स्क्वायर एन क्यूब, एन क्यूब प्लस माइनस एन, एन स्क्वायर प्लस माइनस वन और कोई भी नंबर, और व्हाट, एन क्यूब प्लस माइनस एन स्क्वायर। इनकी इंपॉर्टेंस देखिए आप माय डियर, आपने सिर्फ 2-4 जगह यूज किए और 3 से 4 क्वेश्चन तो आज ही के सेट में हम देख चुके हैं। यस यस, सारे के सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे वहां पर। ओके सारे के सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे वहां पर। तो इन टर्म्स के आप, इन टर्म्स के इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं आप, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है डियर, हर जगह काम आ रहे हैं। अगर मैं कोई चीज बार-बार रिपीट कर रहा हूं, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर यू टू स्कोर हायर एंड हायर मार्क्स। ओके तो 4 to 80, अरे तो बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैंने आपके दिमाग में छपवा चुका हूं, पूरा फीड कर चुका हूं यार रिलेशन आपको। क्या हो रहा है, इट इज नथिंग बट व्हाट, 64 + 16, इट इज 4³ + 4 स्क्वायर। तो कहाँ मिल रहा है ऐसा रिलेशन, 343, तो वैसे ही कम है, यहाँ कुछ नहीं। ये तो और भी इजी है जज करने के लिए, इट इज व्हाट 125 + 25, व्हिच इज व्हाट योर 5³ + 5 स्क्वायर। योर आंसर इज व्हाट, आगरा। अरे अंडरस्टूड और नॉट, यस 5³ + 5 स्क्वायर। देखिए कितने ब्यूटीफुली जज कर सकते, मैंने बताया था आपके जो ये वाले नंबर होते हैं डियर, व्हाट 11 का स्क्वायर के आसपास के नंबर, 15, 5 का स्क्वायर, 64 वाला आपका जो नंबर है, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको किसी भी नंबर को जज करने के लिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, कहीं पर भी इसके आसपास का कोई भी नंबर आपको मिलता है बिल्कुल जज करिएगा। या सर नो, तो हर एक चीज जो मैं स्टार्टिंग के सेशन से बताता आ रहा हूं माय डियर, इफ यू आर कंसिस्टेंट इन माय क्लासेस, भले आप प्लस के स्टूडेंट हो माय डियर, प्लस के स्टूडेंट्स को और बेनिफिट है। और आप माय डियर ओके, अगर कॉन्सेप्चुअली कोई भी प्रॉब्लम आती है, और व्हाट कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग हैज ऑलरेडी फिनिश्ड ऑन प्लस, you can join me on Unacademy Plus by using code ASRLIVE। तो आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आते हैं डियर, दोनों में आते हैं क्वेश्चंस। ओके सर हिंदी में भी पढ़ा दो डियर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये नंबर तो हिंदी में भी वैसा ही दिखेगा, इंग्लिश में ही वैसा भी दिखेगा, और जहां पर स्टेटमेंट रहेंगे वहां तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा ही रहा हूँ डियर। ओके बिल्कुल मत घबराइए, लॉजिकल रीजनिंग में तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ज्यादा आने ही नहीं वाली है। और भैया 480 तो हिंदी में भी वैसे ही लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी वैसे ही लिखा रहेगा। यस और नो, यस बायलिंगुअल होता है डियर। प्लस में डियर आई विल इन्फॉर्म यू। ओके प्लस में नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा, आई विल इन्फॉर्म यू वेरी सून। ओके चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। वेन डायग्राम क्वेश्चन तो ऐसे उड़ाएंगे डियर सेकंड्स में। सीधा हमने क्या देखा यहाँ पर, गैसेस, सॉलिड्स एंड हीलियम, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करिए, तुरंत सेकंड्स में आप क्वेश्चन उड़ाइए। ओके रिया, जहां पर भी प्रॉब्लम आई यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में बता दूंगा आपको। ओके चलिए, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में तो हिंदी इंग्लिश का ज्यादा डिफरेंस है नहीं। गैसेस, सॉलिड्स एंड हीलियम, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आंसर आते हुए बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, नीलेश, सौम्या, मीनाक्षी, यस यस यस, रेशमा, आशुतोष, सौरभ, कीर्तना, मीनाक्षी, बहुत ही बढ़िया डियर। हेलो अहमद, बादल, सोनम, केतन, वेंकट, शुभम, रंजन, मीनाक्षी, राजेश, अभिषेक, बहुत ही बढ़िया डियर। क्या हो रहा है? गैसेस, what all the helium comes under category of what gases but solids are different। कौन सा वेन डायग्राम? बॉम्बे। सेकंड्स में टच किया, कभी भी इस रिलेशन को फॉर्म करने में गलती मत करिएगा। ऑल वाले रिलेशन को फॉर्म कर, नो वाले रिलेशन तो हम बहुत अच्छे से बना लेंगे, ऑल वाले रिलेशन को फॉर्म करने में बिल्कुल गलती मत करिएगा। जैसे आपको क्या बोला, फादर बोला है और क्या बोला है, मेल बोला है, तो हमें हर सारे के सारे मेल फादर होते क्या? नहीं, लेकिन जितने भी फादर्स होंगे, जितने भी फादर्स होंगे सारे के सारे मेल्स होंगे ही होंगे, तो कभी भी इसको ऐसे मत बना दीजिएगा मेल्स और फादर्स को। ओके, मेल्स और फादर्स को ऐसे मत बना दीजिएगा। इट इज ऑलवेज लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ऑल द फादर्स विल बी मेल्स, मदर्स आए तो ऑल द मदर्स विल बी व्हाट, फीमेल्स। अंडरस्टूड? तो रिलेशनशिप बनाने में हमेशा ध्यान रखिएगा। दीज आर व्हाट योर एडिशनल कॉन्सेप्ट व्हिच आर आई एम गिविंग। यस और नो? यस, नो वाले क्वेश्चन तो आप बहुत ही इजीली कर लोगे कि आपने डिसजॉइन कर दिया, लेकिन सम और ऑल वाले पे बहुत ध्यान से करेंगे, रिलेशनशिप बनाने में बहुत ध्यान से करेंगे। मेरे को नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स सिली मिस्टेक से कटे। यस, हीलियम इज अ लाइट गैस। चलिए, और भी आपको एडिशनलिटीज लगानी, बिल्कुल लगा दीजिए यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। अरे डायरेक्ट ऑर्डर पूछा है, लीजिए। चलिए, आपके आराम के लिए आपको सिंपली बस एक मार्क्स यहाँ से उठा के आपके पॉकेट में डालने के लिए वाला क्वेश्चन आया डियर। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। या सर नो? और भैया क्वेश्चंस कितने भी होते जाइए, जोश कम नहीं होना चाहिए अपने सेशन के एंड तक के, और लास्ट में सभी लोग डिस्कस करें कितना स्कोर कर पाए। अभी तो हमारा पूरा सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा है, फिर भी आप समझ सकते हैं आपका स्कोर कितना हाई आने वाला है। एंड शुभम श्रीवास्तव, चेन्नई, ब्यूटीफुल डियर। नीलेश प्रताप सिंह, आगरा। अभिषेक दीक्षित, चेन्नई। आइदर और केस एक्सप्लेन करिए। फैबुलस बॉय, आपकी हर एक रिक्वेस्ट पूरी होगी, ये मैं नहीं, इसी सेट के एग्जामिनर आपके लिए अली रिक्वेस्ट पूरी करेगा, और एक क्वेश्चन आइदर एंड और का भी आपके पास आने वाला है। आगरा, चेन्नई, आगरा, चेन्नई, दो आंसर्स आते हुए। अरे इतने हलवा क्वेश्चन में भी फंस गया क्या, सिली मिस्टेक में? आगरा, आगरा, अजमेर भी आंसर आ रहा है डियर, अजमेर भी आंसर आ रहा है। क्या है, y एंड e तो सभी में कॉमन है, तो सबसे पहले हम a वाले देखेंगे यहाँ पर। a के बाद ये क्या है आपका 19, 18 एंड 18, 18, 18 वाले दो है, सबसे पहले इन दोनों को देखिए। यहाँ पर क्या हो गया आपका 14 एंड दिस इज व्हाट योर l, दैट इज 12, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, सबसे पहले 3 आएगा। तो भैया चेन्नई वाले तो यहीं पर बाहर हो गए, बिल्कुल बहुत ही गंदी सिली मिस्टेक। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा 1, फिर व्हाट, then after that what your 12 and 19, 3, 2, 1, 4 and 5, your answer is what, Agra, nothing but Agra। अरे अजय सर का A, okay, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक में फंसोगे क्या? ओके, इतने सिली क्वेश्चन में भी, इतने इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक में नहीं फंसना है आप। मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू से रिकॉल कर लिया करिए। आपको अगर S और R में कंफ्यूजन आ रहा है कौन सा पहले आ रहा है, फेस वैल्यू से रिकॉल कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अरे मार्क्स इतनी मेहनत से गेन होते माय डियर, इतने आसानी से नहीं छोड़ना एग्जामिनेशन में। जहां अपने मार्क्स जाने दिए आप कहीं ना कहीं सीधा रैंक में नीचे आएंगे, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी चैलेंज हो सकता है आपका, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं, हर एक मार्क्स को इतनी मेहनत से गेन करने की कोशिश करें, इतने आसानी से नहीं जाने देंगे, बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। ओके चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आंसर वाज ए फॉर अजय सर, नो इश्यूज। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का स्टेटमेंट एंड वर्ड बेसिस क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, चलिए सॉल्व करिए। नो सर, यस, नहीं जाने देना है। एक भी मार्क्स इतनी आसानी से तो नहीं जाने देना है। जितने हाथ पैर मार सकते हो उतने मारिए, सिली मिस्टेक से तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। चलिए, ब्यूटीफुल डियर, क्या एग्जाम का पेपर चल रहा है यार 2019 का। क्या ब्यूटीफुल पेपर आया, एकदम मजा ही आ गया। और मैं और ज्यादा खुश हूँ, क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन और व्हाट आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स दे कैन। नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली, यस, कीर्तना दिल्ली, वेंकट भाई दिल्ली, रेशमा दिल्ली, वर्षा सिंह दिल्ली। देखिए जी, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, आंसर क्या हो रहा है? क्या बोला यहाँ पर? आई एम फाइन इज कोडेड एज व्हाट? DUCUZU, Japanese I think. Okay, he is fine is coded as what? KUMU and DU, and then what? I and he is coded as what? CU TU and KU. Understood or not? Delhi Japanese भी सीख लीजिए, ठीक है डियर? आपको जापानीज भी सिखा देंगे, लॉजिकल रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आई एम फाइन, ही इज फाइन, एंड आई एंड ही क्या फाइंड आउट करना है? एंड फाइंड आउट करना है। तो एंड कहाँ रहा? लास्ट स्टेट में, मतलब उसके पहले आपको आई एंड ही पता होना चाहिए। आई कहाँ का कॉमन आ रहा है? दिस इज योर आई, मतलब आपको कौन कौन सा वर्ड यहाँ पर कॉमन है? CU आपका कॉमन है। ओके, तो आई क्या हो गया? CU। आई क्या हो गया? CU। देन उसके बाद आपका ही कहाँ पर आ रहा है? दिस इज वॉट योर ही, HE, this is what E। कौन कौन से वर्ड कॉमन है? KU and KU। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया? दिस वन। तो बचा सिर्फ क्या? एंड बचा। तो एंड आपका क्या हो जाएगा? TU। दैट इज व्हाट योर आंसर इज व्हाट? दिल्ली। बहुत ही बढ़िया डियर। क्या डियर 2019 में क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? चलिए, बिल्कुल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एकदम अलग टॉपिक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन है वो लॉजिक का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और डेफिनेटली आपका आंसर सही आने वाला है। ओके, ये बहुत सारी ऐसी मिसलेनियस जो वैरायटीज होती है आपके लॉजिकल रीजनिंग में, उसका पार्ट है ये। ओके रंजन कुमार, ब्यूटीफुल। अगर आपने बाकी चीजें भी डिकोड कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कम से कम टाइम में। देखिए, अभी तक मैं एक्यूरेसी तो बोल रहा था, अब माय डियर अब समय आ चुका है कि आपको स्पीड पर भी फोकस करना बहुत अच्छे से शुरू करना है, ठीक है? लेकिन एक्यूरेसी को हमेशा हाई रखने के बाद ही। आशुतोष पांडे, आगरा, ब्यूटीफुल डियर। आंसर क्या है वो तो हम चेक कर ही लेंगे, आंसर बड़ा स्पीड से आता हुआ यहाँ पर, आगरा। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइज? यस, साई कुमार आगरा, वेंकट भाई आगरा, वर्षा सिंह आगरा। देखिए, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंसिस्टेंट है क्लास में माय डियर, डेफिनेटली आपको क्या, आपकी एक्यूरेसी स्पीड बहुत अच्छी रहने ही वाली है। रंजन, नजर अहमद, सोनम, नीलेश प्रताप, सौम्या, रिया, वर्षा। यस, ए सिर्फ ए आंसर नहीं है, ए राइट भी है बताया जा रहा है। कीर्तना, सौरभ तिवारी, कीर्ति, रेशमा। क्या बोला है? 56 पैसेंजर है भैया, ट्रेवल कर रहे हैं इन बस, आउट ऑफ विच व्हाट 26 are what? Males, 26 males and rest are what? Females। तो rest बचे कितने? 30 बचे, ये हो गए आपके females, ठीक है? उसके बाद क्या बोला? At the next shop, 12 males and 8 females get down। क्या हो गया? ये आपके 26 थे, 26 and 30। सिंपल तरीके से देखिए इसको। नेक्स्ट शॉप पे क्या हुआ? यहाँ पर आपके पास कितने 2-3 पैसेंजर्स यहाँ पे उतर रहे हैं, कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर उतर रहे हैं। That means what? 12 males उतर चुके हैं और कितने 8 females उतर चुकी हैं, और what 7 males चढ़े हैं और what 6 females चढ़ी हैं। तो यहाँ से आप डिकोड कर लीजिए आपका क्या आ रहा है। That means what? Your finally 26 minus 12 plus 7, मतलब क्या हो रहा है? 5 लोग उतरे हैं। That is what 21। यहाँ पर क्या हो गया? 28। इन दोनों का रेशियो पूछा है, क्या हो गया रेशियो? 7 से डिवाइड करेंगे, 3:4। Nothing but what? Your answer is Agra। Understood or not? ये लॉजिकल रीजनिंग का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो नहीं है, बट इट इज क्वेश्चन ऑन व्हाट? योर लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल आगरा 200%, ब्यूटीफुल डियर, बहुत ही बढ़िया। 21:28 बचे हैं डेफिनेटली। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लॉजिकल रीजनिंग का सिंपल सा किसी भी वैरायटी क्वेश्चन आए एकदम हर क्वेश्चन के एक ही माय डियर व्हाट एक ही रामबाण इलाज है। क्या सिंपल सा इलाज है माय डियर आपका, हर चीज का एक ही इलाज क्या है कि गो स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप, डू नॉट ट्राई टू जंप, डू नॉट ट्राई टू जंप, गो स्टेप बाय स्टेप। आपका आंसर उसमें भी एक्यूरेट भी आएगा और सही पर भी आएगा। यस और नो? यस। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नजर, यस नजर, वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पर आपके नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस हैं डियर, ठीक है, नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस हैं, नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस उड़ाइए। नॉन वर्बल की जो आपकी बेसिकली 8 to 10 टाइप्स की जो वैरायटी होती है सारी की सारी वैरायटीज मैं आपके क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आज का सेट हमें पूरा की पूरा देखना है तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये जो गिवन फिगर एक्स है ऐसा कौन से फिगर में यहाँ पर एम्बेडेड है। एंड व्हाट? रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन आपका अलाउड नहीं है। आंसर बिल्कुल आता हुआ सेकंड्स में, चेन्नई चेन्नई चेन्नई, ब्यूटीफुल डियर। यस नीलेश प्रताप सिंह, सौरभ तिवारी, साई कुमार, फैबुलस बॉय, मीनाक्षी, रेशमा, रिया, बहुत ही बढ़िया स्पीड से आंसर्स आ रहे हैं, मैं नाम भी इतने स्पीड से काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। नील एमस्ट्रॉन्ग हैज आल्सो जॉइंड आवर सेशन, चेन्नई। यस कीर्ति कुमारी, केतन, कीर्तना, राजेश, सौम्या, रंजन कुमार, साहिल, केतन बावत। हलवाइस क्वेश्चन, अरे नॉन वर्बल के तो बहुत अच्छे से उड़ाने वाले हो और सारे की सारे 8 to 10 टाइप की जितनी भी कैटेगरी है सारी की सारी मैं क्लासेस में करवाने वाला हूँ। आगरा, आगरा, मीनाक्षी कुमारी सिंह, आगरा एंड चेन्नई। चलिए डियर क्या देखना है, ऐसा आपका क्रॉस बन रहा है, बीच में रेक्टेंगल और 2 सर्कल, ठीक है। कौन से फिगर में? इस फिगर में 2 सर्कल रेक्टेंगल वाली लाइन है, बट यहाँ पर लाइन आपकी कंप्लीट नहीं है तो आगरा नहीं होगा। इसमें तो आपका क्रॉस पे वाली लाइन भी नहीं है। चेन्नई में देख सकते हैं आपका क्रॉस की लाइन भी बन रहा है, बीच में रेक्टेंगल है, 2 सर्कल भी, और आंसर इज व्हाट? चेन्नई 101%, चेन्नई 200%, चेन्नई 201%, चेन्नई। लेट हो गया माय डियर, बिल्कुल लेट नहीं होता होना चाहिए था। आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट 50 मार्क्स का। और माय डियर जो लोग यहाँ पर अगर लेट भी सेशन ज्वाइन करें, जितना आपके क्वेश्चन बचे उसको स्टार्टिंग से करेगा। ये पूरा की पूरा एक सिंगल सेट है, ओके, वन सेट पूरा, ऐसा नहीं कि मिक्स क्वेश्चन आया, वन सेट है आपका पूरा की पूरा। एंड व्हाट? टेक इट जस्ट एज योर वाज, मिनी मॉक की तरह लीजिए इसे, आपके मिनी मॉक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चेक योर प्रिपरेशन बिफोर द एग्जामिनेशन। यस यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रॉन्ग हो तो बस उसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में कंटिन्यू कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट? मिरर इमेज। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, अगेन नॉन वर्बल, ठीक है। अभी बस सॉल्व करिए, बिल्कुल मत घबराइएगा। हमारी जितनी भी 8 से 10 कैटेगरी सारी की सारी हम क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। जितनी भी माय डियर नॉन वर्बल में 8 से 10 कैटेगरी आती है, जिसमें से 5 से 6 कैटेगरी में हर बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। नील एमस्ट्रॉन्ग जी कितने क्वेश्चन सोच चुके हैं ये पूछ रहे हैं आप, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, लगभग आधे पे हम आ चुके हैं शायद। सर बहुत स्पीड से एम भी खत्म, थोड़ा सा माय डियर आप क्वालिटी कम कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है, ओके। सौम्या, साई कुमार, बॉम्बे, शोम श्रीवास्तव, चेन्नई, नजर अहमद, आगरा, आगरा, दिल्ली, दिल्ली, आगरा, आगरा, दिल्ली, 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 सारे मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सभी का ध्यान कहां पर? स्क्रीन पे। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन अटेंशन ऑन स्क्रीन। मिरर इमेज बोला है, मिरर इमेज में जब भी किसी एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज का बोला है, ठीक है, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिल्ली दिल्ली क्या हो रहा है, बिल्कुल हम आंसर चेक करेंगे माय डियर। मिरर इमेज में जब भी किसी एक्सिस के अराउंड बोला है तो देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो पॉइंट यहाँ पर नियरेस्ट रहेगा मिरर का, ऑब्जेक्ट का, तो वही पॉइंट इमेज में भी आपका नियरेस्ट मिलेगा। जो दूर रहेगा माय डियर वो दूर रहेगा और उसका डायमेंशन वैसा की वैसा ही रहेगा, ठीक है। पास वाला पास में मिलेगा, दूर वाला दूर ही मिलेगा, ओके। और कैसा? लैटरली इन्वर्ट होगा, मतलब अगर आपका ये एरो है, अगर आपका एरो है तो इसका ये टॉप है, इसका बॉटम है, तो नियरेस्ट पॉइंट क्या है? इसका बॉटम वाला, फार्देस्ट पॉइंट टॉप वाला, तो वर्टिकल में हमेशा कैसा हो जाएगा? टॉप टू बॉटम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। अगर ये लैटरली माय डियर व्हाट? वर्टिकली इन्वर्टेड हो रहा है, वर्टिकली इन्वर्टेड हो रहा है तो कभी भी कैसा इन्वर्ट नहीं होगा? लैटरली माय डियर, लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट मतलब ये एग्जैक्टली जैसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक ऐसा यहाँ पर कुछ साइन बना हुआ है तो लेटरली इन्वर्ट होके ऐसा ही आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपका P ऐसा हो जाएगा, अंडरस्टूड? ऐसा नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ये सिंपल बस ऐसा कि ऐसा ही इन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ टॉप टू बॉटम इन्वर्ट होगा। चलिए डी फॉर देहरादून, दुबई, सारेम, यस वी आर गोइंग इंटरनेशनल, वी आर गोइंग इंटरनेशनल। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे सभी लोग मिरर इमेज में कि नियरेस्ट पॉइंट आपका नियरेस्ट रहेगा, फार्देस्ट फार्देस्ट रहेगा और कैसा होगा टॉप टू बॉटम इनवर्ट हो रहा है तो ऐसा रहेगा। अगर आपका मिरर साइड में कभी रखूंगा तब तो आपका लेफ्ट टू राइट इनवर्ट होगा, इस केस में आपका लेफ्ट टू राइट इनवर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए सेम चीज यहाँ पर ट्राई करेंगे आप। चलिए यहाँ पर सेम चीज हम लोग ट्राई करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पर व्हाट आपका जी, तो अब यस जी आपका एग्जैक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट आपका नहीं हो रहा है, इन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आपका ए ऑप्शन गया। अगेन जी तो एकदम सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई भी बहुत सही हुआ, सिक्स भी सही रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन फाइव का व्हाट टॉप टू बॉटम भी हो गया, लेफ्ट टू राइट भी इन्वर्ट हो गया फाइव, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। यहाँ पर एक एक करके बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो पॉइंट बताया मैंने उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जी सही है, वाई सही है, बट यहाँ पर सिक्स सही इन्वर्ट नहीं हुआ माय डियर, सिक्स यहाँ पर सिंपल लेफ्ट टू राइट इनने इन्वर्ट कर दिया, सिक्स को लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी चेक करें, जी सही है, वाई सही है, सिक्स भी एकदम सही है, फाइव यस फाइव जो पहले कैसा था ऐसा था तो अब वो कैसा हो गया ऐसा इन्वर्ट हो गया, सिंपल यस, तो ये भी सही है, फोर भी सही है और आर भी आपका सही आंसर इज व्हाट दिल्ली। अंडरस्टूड, सिर्फ टॉप टू बॉटम इन्वर्ट होना है, लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि मिरर कहाँ प्लेस है, मिरर आपका एम और एन पे प्लेस है। अंडरस्टूड और नॉट, यस ओके सर डन। और माय डियर जो आपका हॉरिजॉन्टल मिरर रहता है ना, हॉरिजॉन्टल मिरर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं वाटर इमेज भी बोल देते हैं कई बार। अगर आपको मिरर की पोजीशन दी है तब तो ठीक है, अगर सिर्फ वाटर इमेज की बात कर रहा है तो कैसे बस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड आप मिरर लगाइएगा तो जो इमेज आएगी उसको वाटर इमेज बोलेंगे। मिरर आपका वर्टिकल भी हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, बट आपका वाटर इमेज हमेशा कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा। यस और नो, यस वाटर इमेज विल बी ऑलवेज व्हाट हॉरिजॉन्टल। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे हम। दिस वन जी सर, यस सर, ओके सर डन, यस डेफिनेटली वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बीच में बोलते रहता हूँ उसको ध्यान से सुना करिएगा आप, ओके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भी अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे तो साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा और। और माय डियर डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको सेशंस में मजा आ रहा है तो। अभी करंटली हमें मैराथन सेशन में जैसे ही सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे डी, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन टाइमर के साथ करेंगे कि 1 आवर में कैसे होगा, फिर 1 आवर से 50 मिनट्स पे आएंगे, 50 मिनट्स पे 45, 45 से 35 मिनट्स तक हमें जाना है। एंड यस आंसर इज कमिंग आउट टू बी चेन्नई, चेन्नई। नजर अहमद प्लीज आंसर इन ए बी सी एंड डी डियर। नीलेश प्रताप सिंह बॉम्बे, चेन्नई चेन्नई चेन्नई। कीर्ति कुमारी बॉम्बे, चेन्नई चेन्नई, यस यस सभी का आंसर चेन्नई और बॉम्बे आता हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल चेक आउट चेन्नई कैलकाटा। क्या हो रहा है यहाँ पर in the given diagram below the rectangle is showing what bank employees, the triangle represent what, triangle represent what Indians and the square represent, ye hai aapka rectangle, sorry ye aapka rectangle, ye aapka kya ho gaya bank and the what square represent what males। theek hai, क्या बोला था मैंने, हमेशा इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी मत मिस करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने फिर गलती करी उसे पढ़ने में। क्या पूछा है, हाउ मेनी मेल बैंक एम्प्लॉइज, मतलब हमें मेल्स भी लेना है बैंक एम्प्लॉइज भी लेना है, बट नॉट इंडियंस, बट नॉट इंडियंस। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल को यहाँ पर कंसीडर ही नहीं कर रहा होगा। मेल बैंक, ओके मेल बैंक एम्प्लॉइज मतलब मेल भी लेना है बैंक भी लेना है। मेल और बैंक माय डियर कहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, दिस 315 एंड 315 एंड 3 पे इंटरचेंज कर रहे हैं, बट नॉट इंडियंस बोला तो आपका 15 काउंट नहीं होगा। योर आंसर इज व्हाट सिंपल 3 + 3 दैट इज व्हाट 6 which is your answer is what Chennai, your answer is what Chennai। अरे yes or no, तभी आंसर्स में वैरायटी आ रही थी, यहाँ पर आंसर वैरायटी नहीं आनी चाहिए। क्या बोला है, बैंक और व्हाट मेल्स को कंसीडर करना है, इंडियंस को कंसीडर नहीं करना है। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बात मैं कितनी बार बोलूं आपसे। yes or no, कोरोना इज राइट सर, अच्छा सी फॉर कोरोना। अरे कोरोना को छोड़िए माय डियर, ठीक है सी को चेन्नई रहने दीजिए, ज्यादा सही है। चलिए चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। देखिए आपका बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन बेसिस पे क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है डियर। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं समझ में आता तो बस हल्का सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हम आगे की क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। ये नहीं आता मुझे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बिल्कुल शांति से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। नहीं आता मैं आपको बस शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बट व्हाट इन आवर रेगुलर क्लास वी विल डिस्कसिंग ऑल द वैरायटी ऑफ व्हाट डायरेक्शन टेंस एंड डायरेक्शन इन सेंस टेस्ट की सारी वैरायटी डिस्कस करेंगे। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर रैंकिंग, सारी चीजें टेस्ट करेंगे हम। नजर अहमद व्हाट आगरा, आशुतोष पांडे आगरा, साहिल चैनी, कीर्ति कुमारी आगरा, नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली, साई कुमार चेन्नई, सौरभ कुमार चेन्नई, सौरभ तिवारी चेन्नई, रितेश राज यादव आगरा। चलिए क्या बोल रहा है, दिनेश एंड विजयन आर व्हाट फेसिंग ईच अदर, दिनेश एंड विजयन आर व्हाट फेसिंग ईच अदर। ठीक है, कैसे भी बैठा दीजिए, अभी तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ बैठे, कैसे भी बैठा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, are what facing each other, ठीक है, are facing each other and what after sunrise, okay, in the morning after sunrise and talking, ठीक है। दिनेश shadow fell exactly to the left, अगर sunrise हो रहा है, sunrise हो रहा है तो sun will rise from the east, ठीक है, sun will rise from the east, sunrise हो रहा है तो इनकी shadow कहाँ पड़ेगी, इस side पे पड़ रही है, इस side पे पड़ रही है। and what दिनेश shadow fell exactly to the left of Vijayan, मतलब विजयन के लेफ्ट में ही आपकी क्या, दिनेश की शैडो पड़ रही है, दिनेश के लेफ्ट में ही। तो यस ये क्या है, यहाँ पर विजयन का क्या है, ये विजयन का लेफ्ट है, यस विजयन का लेफ्ट है। तो ये सारे डायग्राम नहीं, ये वाला डायग्राम यहाँ पे चलेगा। यस यहाँ पर विजयन का लेफ्ट है तो आपका विजयन का फेसिंग किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, और आंसर इज व्हाट आगरा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट। आई हैव जस्ट डिस्कस्ड यू द व्हाट कॉन्सेप्ट, ये आपकी लाइट रेज आएगी तो कैसा पड़ेगा। यस सर नो आगरा, A4 अजय सर, बिल्कुल A4 अजय सर भी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर नो, लेकिन हमें आज पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस को हमें आसपास समझना है। यस द आंसर वाज नॉर्थ। चलिए ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया भैया, देखते हैं किसका क्या क्या रिलेशन यहाँ पर लग पाता है। अगर नहीं भी लगेगा ब्लड रिलेशन को तो इतना बढ़िया तरीके से आपसे हैंडल करवाऊंगा ना क्लासेस में, यू गोना बिलीव मी कि एक बार लॉजिक सीखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे आप। ओके, ब्लड रिलेशन का अभी आप अटेम्प्ट करके देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूंगा लॉजिक का यहाँ पर, व्हाट आफ्टर यू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। तो और एक और बहुत अच्छी बात होता है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी सेकंड्स में सॉल्व होते हैं, सेकंड्स में, अगर आपके पास सही मेथड है तो। अच्छा चलिए, शुड आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन, और आप क्या, आप खुद अटेम्प्ट कर रहे हैं। शुड आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जस्ट टेल मी इन कमेंट सेक्शन में, एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं बन पा रहा है तो। यस चलिए क्या हो रहा है, P is the son of Z। देखिए ब्लड रिलेशन में दो चीजें कॉमन समझ लीजिए, बाकी इसके अंदर तीन वैरायटी आती है डियर, व्हाट योर स्टेटमेंट बेस्ड, योर कोडेड एंड सिंपल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट वाला नहीं है, सिंपल ब्लड रिलेशन का, और आपके पास कोडेड और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। आशुतोष पांडे व्हाट आगरा, ओके, सौम्या त्रिपाठी अटेम्प्टिंग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया डियर। आशुतोष पांडे आगरा, रिया कुमारी बॉम्बे, नीलेश प्रताप सिंह बॉम्बे, वर्षा बॉम्बे, शुभम आगरा, सौम्या त्रिपाठी आगरा, साई कुमार आगरा, बॉम्बे आगरा, दिल्ली, बी इज राइट, बॉम्बे दिल्ली। चलिए क्या हो रहा है देखेंगे यहाँ पर, आगरा @ यस, आगरा, दिल्ली, चेन्नई, दादाजी दिल्ली, ओके दादाजी पे भी आ चुके हैं यहाँ पर, यस। ये जो माय डियर रंजन कुमार, ओके आपने जो आंसर दादाजी दिया है ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। नितिन आगरा, चलिए बिल्कुल। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट करने का ट्राई कर लिया होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे हर चीज ठीक है। आई हैव डिस्कस, चलिए सभी लोग अब व्हाट आई वांट ईच एंड एवरीवनस कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड ठीक है। स्टेटमेंट कोटेड और सिंपल बट व्हाट सिंपल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, तो यहाँ पर सिंपल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यस रंजन कुमार, यस अब आपका आंसर सही है। देखिए ब्लड रिलेशन में 2-3 चीजों पे ही हमें ध्यान देना है। योर फर्स्ट इज व्हाट योर जेंडर ठीक है, जेंडर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मेल को वी विल डिनोट एज व्हाट प्लस, फीमेल को वी विल डिनोट एज व्हाट माइनस ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, जनरेशन एंड जनरेशन के बीच का रिलेशन पे ध्यान देना है। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, आगे के क्वेश्चन में हम सारी की सारी वैरायटी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। जनरेशन मतलब अगर फादर मदर रहा तो एरो से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। अगर ब्रदर सिस्टर रहा तो सिंपल एरो, अगर हस्बैंड वाइफ रहा तो डबल एरो ठीक है। क्लासेस में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सर जेड के बारे में नहीं पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल। यस वेरी गुड, डाउट बहुत ही बढ़िया डाउट आया था डियर आपका, बहुत ही बढ़िया डाउट ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यस इसलिए बोथ कंसीडर, बहुत ही बढ़िया। पी इज सन ऑफ जेड ठीक है। कभी भी ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे तो बीच में बनाएंगे ताकि आपका डायग्राम कहीं पर भी जा सकता है ठीक है। क्या बोला है, पी इज सन ऑफ जेड। अगर पी सन है तो मतलब पी क्या होना चाहिए, डेफिनेटली पी विल बी व्हाट अ बॉय, पी विल बी व्हाट अ मेल, तो पी पे यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस। जेड क्या है, लड़का लड़की मदर फादर दोनों हो सकता है, तो हमने यहाँ पर जेड पे कोई साइन नहीं लगाया ठीक है। बट पी का जेंडर हमें कंफर्म है क्योंकि पी क्या है, सन है, दैट इज व्हाट प्लस। यू इज डॉटर ऑफ के, यू और के यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टेड नहीं, आप अलग में साइड से बना सकते हैं इसको ठीक है, अलग में साइड से यहाँ पर बना सकते हैं। व्हाट यू इज डॉटर ऑफ के, यू क्या है डॉटर ऑफ के है, तो डॉटर है तो यू के आगे नेगेटिव साइन। देन व्हाट Q is the mother of C and U. C and U की कौन है, Q मदर है, C and U की Q मदर है, तो Q क्या है डियर, यहाँ पर Q है, वो C और U दोनों की मदर है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सिस्टर्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, C का जेंडर नहीं पता ओके। लेकिन व्हाट Q, लेकिन दिस इज व्हाट Q, लेकिन Q मदर है तो डेफिनेटली क्या रहेगा माइनस। अगर माय डियर ये इनकी क्या बेटी है तो ये दोनों डेफिनेटली क्या होंगे हस्बैंड एंड वाइफ। अगर व्हाट Q इज वाइफ तो K क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा हस्बैंड, K क्या होगा डेफिनेटली हस्बैंड होगा ओके। देन आफ्टर दैट P इज K's ब्रदर, तो सिंपल P को कैसे डिनोट कर देंगे, P क्या हो जाएगा, P ऑलरेडी पॉजिटिव था, P इज व्हाट K's ब्रदर, तो आपने ये वाला डायग्राम को यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्या आ गया Z आ गया। P का जेंडर पता है, यस P का जेंडर तो डेफिनेटली पता है। अब क्या पूछ रहा है ठीक है, ये आपके हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड नियम। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट नियम, हमेशा इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पूछना है और उसको एक बार हिंदी में मेरे साथ रिपीट भी करना। हाउ इज जेड रिलेटेड टू यू, हाउ इज जेड रिलेटेड टू यू, मतलब जेड यू से कैसे रिलेटेड है, मतलब यू का जेड कौन, जेड जो है यू का कौन लगेगा, मतलब यू का जेड कौन, तो ये यू के फादर कौन है के, उनके फादर के भाई के फादर क्या हो जाएंगे ग्रैंडफादर। और पापा की कंडीशन में पैटर्नल बोलते हैं, मम्मी की कंडीशन में मैटरनल बोलते हैं ओके। तो ग्रैंडफादर, और माय डियर उसका हमें साइन नहीं पता प्लस है कि माइनस है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कुछ भी हो सकता है। तो माय डियर आपका ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं, आइदर पेरेंटल ग्रैंडफादर और पेरेंटल ग्रैंडमदर ठीक है। योर आंसर इज व्हाट आगरा। अरे अंडरस्टूड और नॉट, यस यस एब्सोल्युटली 101% आंसर क्या हो जाएगा आगरा। पहला नियम सीख लिया, दूसरा नियम सीख लिया, तीसरा नंबर क्या ये सीख लिया कि हमें कैसे रिलेट करना है कि U का Z कौन, कि U का Z कौन आएगा, हमेशा उल्टा मत चले आना, U का Z कौन। चौथा नियम सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम लाल अक्षरों में लिख लीजिएगा इसको ठीक है, लाल अक्षरों में लिख लीजिएगा, हम क्लास में भी अटेंड करने वाले हैं। डू नॉट अज्यूम जेंडर ठीक है, डू नॉट अज्यूम जेंडर, मतलब आपको जेंडर अज्यूम नहीं करना। यहाँ तो पी जेड लिखा तो आसान है, अगर किसी क्वेश्चन में माय डियर अगर बोल दिया व्हाट कि प्रियंका इज डॉटर ऑफ व्हाट राकेश, प्रियंका इज डॉटर ऑफ राकेश, अगर किसी क्वेश्चन बोल दिया तो ये मत सोच के बैठ जाना कि यार राकेश तो मेल का नाम होता है तो हम राकेश को डायरेक्टली यहाँ पर मेल बता देते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना जब तक ये क्वेश्चन आपको परमिट ना करे। सर पैटर्नल और मैटरनल कंफ्यूज होता है, माय डियर पैटर्नल मतलब फ्रॉम योर फादर साइड, मैटरनल मतलब दैट यू आर फ्रॉम मदर साइड, यस और नो। ओके एंड दिस आर व्हाट योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड सिस्टर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं। और जो मैंने आपको बोला डू नॉट अज्यूम जेंडर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्रियंका इज व्हाट डॉटर ऑफ राकेश, प्रियंका इज डॉटर ऑफ व्हाट राकेश, तो भैया उसका नाम राकेश है तो ऐसा मत कर दीजिएगा यहाँ पर क्या कि हम उसका राकेश है लड़कों का नाम होता तो मेल हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके तो इस लॉजिक को याद रखेंगे आप, ठीक है। ये आपको चार नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यस नेम विल नॉट डिसाइड द जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्यूब्स एंड डाइसेस का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला था आपको 1 2 3 रहे चाहे डॉट्स रहे चाहे ABCD रहे आप आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो और सिंबल्स भी आ सकते हैं। आपका सिंबल्स का क्वेश्चन आ गया 2019 में, इसलिए आई वाज यूज व्हाट दादा और दादी। यस वेरी गुड रंजन कुमार। बॉम्बे बॉम्बे राकेश गर्ल का भी नाम होता है। अच्छा गर्ल, अरे उस पे फिर आप नाम पे चले गए, नाम से हमें कुछ करना ही नहीं है आसिफ का असर उसमें, ठीक है। आंसर सभी का आता हो यहाँ पर बॉम्बे 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 ब्यूटीफुल। क्या चेक करना है भैया, जब भी ओपन टाइस आएगा अल्टरनेट वाइट बोर्ड, अल्टरनेट में अपोजिट चेक करिए, प्लस और @ अपोजिट, एंड और # अपोजिट, ठीक है। तो मतलब क्या बचा, डॉलर एंड परसेंटेज आर अपोजिट। क्या पूछा है, Which symbol will on the face opposite to the what? Percentage के opposite कौन सा रहेगा, डॉलर है और आंसर बॉम्बे। अरे डाइसेस का क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व करोगे, डाइसेस का क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व करोगे, भुवनेश्वर बॉम्बे। यस डाइसेस क्वेश्चन मिनिमम आइडिया आपका मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, 5 to 10 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके यस और नो। चलिए बिल्कुल बिहार वगैरह जो भी आपको करना हो करते रहिए, आंसर बस बॉम्बे आना चाहिए आपका। चलिए ठीक है, और सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे डाइसेस क्वेश्चन। बस जितनी भी थी माय डियर सिर्फ हवा बना के रखी थी कि डाइसेस इतना बड़ा है, क्यूब्स इतना बड़ा टॉपिक है। अरे 2 से 3 बस लॉजिक है, उससे आप डायरेक्ट ये सारे के सारे डॉट सेकंड, बढ़िया बहुत ही बढ़िया केतन, बहुत सिर्फ और सिर्फ हवा बना के रखी थी। आई एम हियर फॉर व्हाट टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन। जितने भी आपने अभी तक हॉक्स पाल रखे रहे ना, मिसकंसेप्शन लॉजिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग सारे के सारे क्लियर करूंगा मैं आपके, ठीक है। एनालॉजी वर्ड बेस्ड, ठीक है, एनालॉजी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। यस मैक्सिमम 5 सेकंड। यस सभी हवा हवा है सर, सारी की सारी बस हवा बना के रखिए और ऐसा कुछ है नहीं उसमें। और मजाक में लेते हैं ऑड वन आउट का, जबकि ऑड वन आउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज का। फिगर वर्बल में आ जाए चाहे अल्फाबेट में आ जाए चाहे वर्ड मीनिंग में आ जाए चाहे नंबर सीरीज में आ जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑड वन आउट हो जाता है इसमें। नितिन बॉम्बे। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइज। राजेश चेन्नई, नजर अहमद बॉम्बे, नीरज प्रताप सिंह बॉम्बे, बॉम्बे सौरभ तिवारी बॉम्बे। यस चेन्नई भी आंसर आता। पहले बात बताए गलिबल के आपको मीनिंग समझ में आया कि नहीं। गलिबल फूल एंड गले, फूल तो हमें पता है बेवकूफ, गलिबल माय डियर बेवकूफ तो नहीं होता है। गलिबल का मतलब सिंपल होता है व्हाट हु ट्रस्ट समवन इजीली, हु ट्रस्ट समवन इजीली मतलब बहुत आसानी से सब पे भरोसा कर लेता है, बहुत आसानी से किसी पे भरोसा कर लेता है। अगर किसी ने भी बोल दिया कि क्यूब्स एंड डाइसेस बहुत डिफिकल्ट है तो आपने आसानी से ट्रस्ट करके भरोसा पाया डियर, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यस तो गलिबल भी क्या ट्रस्ट समवन इजीली, तो कहीं ना कहीं हम इसे क्या बोल सकते हैं कि यस ही इज आल्सो व्हाट ही कैन बी फूल्ड इजीली, ही कैन बी फूल्ड इजीली। तो फूल एंड गलिबल कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हो गए। वियर्ड एंड हार्ड ये कहीं डायरेक्ट सिनोनिम नहीं हो रहा रिलेशनशिप तो बड़ी, बट अर्जेंट एंड क्विकली दिस इज आल्सो शोइंग द सिमिलरिटी और आंसर इज व्हाट बॉम्बे। यस और नो। चलिए कैन वी मूव अहेड साहिल। चलिए आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाएं। चलिए लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान दीजिए पूरा की पूरा, सारे के सारे माय डियर व्हाट सीधी बात नो बकवास इन अवर लॉजिकल रीजनिंग। नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली, रेशमा शेख आगरा, रंजन कुमार चिंटू। कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे माय डियर चिंटू आप। चलिए ओके, बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम आराम से सेशंस को अटेंड करें, मस्ती में सेशन को अटेंड करें, बट नेवर एवर माय डियर, नेवर एवर व्हाट, नेवर एवर चैलेंज द डेकोरम ऑफ द क्लास। क्लास का डेकोरम और डिग्निटी कभी भी माय डियर गिरने मत दीजिएगा, मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड? ये बात को आप समझिए। बाकी जितने रिलैक्स होके आपको क्लास अटेंड करना होता है, रिलैक्स मूड में क्लास अटेंड करिए। आई एम हियर फॉर व्हाट, हेल्पिंग यू ओनली, बट नेवर एवर व्हाट चैलेंज द डेकोरम ऑफ द क्लास। ओके चलिए, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अरे क्या सिंपल क्वेश्चन दे दिए, 15, 26, 18, ये डायरेक्ट देखूंगा समझ में नहीं, देखिए अल्टरनेट पे जाइए। यस यस एवरीबॉडी इज करेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल डियर। +3 + 3 डायरेक्टली आंसर आ गया, तो 24, कुछ और पूछा ही नहीं है। इसको भी देख लीजिए बेचारे को, 26, 25। यस चलो, तुम में भी -1 हो रहा है, देख लिया, थोड़ा सा भाव दे दिया। बाकी मेनली क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 24 आंसर आपका आ चुका है, योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट, दिल्ली। यस और नो, +3 and -1। ओके ओके यस, अरे मैं तो चिंटू पे, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट चिंटू। ओके चिंटू इज फॉर, यस यू कैन से चिंटू फॉर चेन्नई। ओके फर्स्ट सीरीज +3 सेकंड, देखिए भैया +3 से आंसर तो आ गया था, लेकिन हमेशा अल्टरनेट सीरीज का सेकंड भी एक बार चेक कर लिया करिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यस इट इज अल्टरनेट सीरीज, यस और नो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल कम नेक्स्ट, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए बहुत स्पीड से उड़ाएंगे डियर वाले क्वेश्चंस तो हम, और जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा उसे अच्छे से करेंगे। यस यस यस, चलने दो जी। अरे रीजनिंग को तो एकदम रिलैक्स मूड में ही किया करिए। ओके अच्छा, उनकी क्लास में भी आता है क्या? ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली, अरे कौन है भाई? अभिषेक दीक्षित। एक सेकंड वाइट डियर। ओके हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। -1 से तो अलग आंसर आता, -1 से अलग आंसर आता बिल्कुल, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ यहाँ है अभिषेक, यहाँ पर थोड़ी पूछा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क होता तो -1 से 23 आंसर आता, बट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट वाले टर्म पे नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? सिर्फ एक ही टर्म पूछिए, तो वाली कौन सी फर्स्ट अल्टरनेट सीरीज में वाली टर्म आ रही है। दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या हो गया, 24 +3 सीरीज से। अंडरस्टूड और नॉट अभिषेक? यस आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, सभी का आंसर दिल्ली आता हुआ। क्या है क्वेश्चन, डायरेक्टली जज करेंगे। 11 से 12, then 14, then what 15, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर +1, +2, +3, तो आगे क्या होगा +4 करिए। 17 + 4 करूंगा, कहाँ पर लैंड करूंगा माय डियर, व्हाट योर 21, देन योर नेक्स्ट सीरीज C to E, दैट इज व्हाट +2, +3, then what +4, तो क्या करूंगा यहाँ पर +5 करूंगा। 12 + 5 is 17, then उसके बाद क्या L से O, that is what 12 to, यहाँ पर +3 से शुरू हुई है सीरीज, +3, then what +4, then what +5, तो 24 + 6 करूंगा, तो कहाँ जाऊंगा 30 पे। 30 is nothing but what your Delhi, तो U Q and D है Delhi। Understood or not? Yes yes yes, वेरी गुड। अल्फाबेटिकल सीरीज के बहुत स्पीड से निपटाएंगे। देखिए अभी तक के बहुत हलवा क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा 2019 में व्हाट आपका लॉजिक बढ़ता हुआ यहाँ पर, तो हर क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आगे। यस थैंक यू डियर। अच्छा ये थैंक यू काय के लिए था डियर? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट और आपका नंबर सीरीज सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करने वाला डिफरेंट फॉर्म में, तो हमेशा उसको फेस वैल्यू, फॉरवर्ड वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीजों से बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे हम। केतन भागवत बॉम्बे, नीलेश प्रताप सिंह बॉम्बे, सोहंगी कुमारी बॉम्बे, साई कुमार बॉम्बे, नीलेश +4 बॉम्बे। यस यस यस, अल्फा न्यूमेरिक तो है लेकिन सीरीज इज वेरी मच सिंपल यार, बहुत ही बढ़िया सिंपल है। क्या है 2 to 6, देन व्हाट 6 to 10, देन व्हाट 10 to 14, तो 14 के बाद कहां जाऊंगा, सभी में क्या हो रहा है +4 हो रहा है। 14 के बाद कहां जाऊंगा 18 में, व्हिच इज व्हाट योर आर, then what 3 to 7, 7 to 11, yes 11 + 4 is 15, 15 + 4 is what nothing but 19, next पे भी touch करिए। 4 + H is again +4, Then what? 8 + 4 is 12. 12 + 4 is 16. 16 + 4 is what? Get 20. That is T. R 19 and T. Your answer is what? Bombay. Yes or no? भैया कैसे करेंगे? Seconds पे करेंगे. N + n² by 2. ये किसका आंसर दे दिया आपने? 18, 19, 20. Yes. 18, 19, 20. चलिए कैसे भी करिए आपका आंसर आपके सामने आना चाहिए, ठीक है? R 19 2. सभी में क्या हो रहा है? +4 + 4 + 4. बिटवीन नो कोड से भी हो जाएगा सर, कैसे? नंबर कोड से भी हो जाएगा, नंबर कोड से तो हो जाएगा बिल्कुल, पर आपके पास दो ऑप्शंस भी तो है यहाँ पर, ठीक है? दो ऑप्शंस भी तो है यहाँ पर, आपको उससे भी सॉल्व करना है, ठीक है? सिर्फ एक ही सीरीज को पकड़ के आंसर मत निकालिएगा, मैंने हर बार कहा है, उसको कंफर्म करिए, ऑलवेज कंफर्म। यस आसिफ कौसर, आपका कमेंट शो हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है? नंबर कोड से भी आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन हमेशा आप कंफर्म करते चलिए, क्या पता आपकी नेक्स्ट सीरीज +5 की चल रही हो और यहाँ पर आपका U आ रहा हो, ये आप डायरेक्टली थोड़ी जज कर सकते। P +5 होके भी आपका 21 आ सकता था कि नहीं, तो हमेशा सारे के सारे ऑप्शंस को आपको कंफर्म क्रॉस चेक करते चलना है। माय डियर, हमें जो जब भी बात आती है एक्यूरेसी और स्पीड की, तो स्पीड में ये बात नहीं आती कि आप यहाँ पर 3 या 4 सेकंड बचाएं, ये 3-4 सेकंड के चक्कर में मार्क्स मत गवा देना वहां पर, ठीक है? ये 3-4 सेकंड नहीं, हमें जो मेनली आप जो 10-15 सेकंड मैथोलॉजी में गवाते हैं वो नहीं गवाना है, लेकिन ये वाले आपको कंफर्मेशन के लिए हमेशा वहां पर लगाना ही लगाना, ताकि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत ना हो। ओके, यस और नो? फेस वैल्यू +1, फेस वैल्यू, अच्छा आप ऐसे बोल रहे हैं, आप B से कहां गए? 3 पे, ठीक है? आप ऐसे भी, बट माय डियर ओके, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया है स्टूडेंट ने, व्हाट B3 एंड D एंड व्हाट F7 एंड व्हाट H, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट ये डिस्कस किया है कि यहाँ पर 2 + 1 एंड व्हाट अगेन +1, +1 + 1 होता चला जा रहा है यहाँ पर 6 + 1 एंड +1। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन माय डियर आपके, मैंने जितनी बोला हमेशा किसको कंपेयर करिए? फर्स्ट टू फर्स्ट अल्फाबेट को कंपेयर करिए तो सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम पेयरिंग बने, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर क्वेश्चन में सेम पेयरिंग बने, तो इसलिए हमेशा व्हाट, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू व्हाट, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ही ट्राई करिएगा। तो आपको एक ही मेथड हर क्वेश्चन में, जो भी मेथड हर क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज हो पाएगी वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। यस और नो? यस यस यस। तो हमेशा आपके लिए वो हर मेथड, ये वाली मेथड आपका क्या है? फर्स्ट टू फर्स्ट वाली मैक्सिमम क्वेश्चन बेनिफिशियल रहेगी, तो सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करेगा। आपके लिए एक ही मेथड हर क्वेश्चन में रहेगी तो ज्यादा आसानी से होगा। सर जी डायरेक्ट शो हो रहा था 18, 19, 20, ओके कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट भी ऐसा शो हो रहा है ये, बट हर क्वेश्चन में आपका नहीं मिलेगा। यस, यहाँ से भी काफी इजी पड़ रहा है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये नहीं बोल रहा कि ये मेथड यहाँ पर गलत है, नो, दिस मेथड इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस मेथड इज व्हाट मैक्सिमम जगह पे लगती है वाली मेथड। यस और नो? यस, आपने वाला लॉजिक भी ग्रास्प किया, कोई भी गलत बात नहीं थी, एकदम सही लॉजिक था आपका। यस, कैन वी मूव अहेड? यस और नो? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? यस, वैसा भी सही है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। यस डेफिनेटली मल्टीपल लॉजिक सेटिस्फाई हो रहे, बट हमें हमेशा की हमेशा इस लॉजिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका ये वाला लॉजिक, ईच एंड ईच अल्फाबेट वाला लॉजिक कवर नहीं हो पाता है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन है भैया, कौन डिमांड कर रहा था आइदर वाले क्वेश्चंस की? आइदर एंड और वाले क्वेश्चन कौन डिमांड कर रहा था? लीजिए आपकी डिमांड यहाँ पर फुलफिल होती हुई, एंड ऑल्सो कमेंट मी इफ योर व्हाट ऑप्शंस आर नॉट विजिबल। अगर ऑप्शन विजिबल नहीं होंगे तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। Fabulous boy was demanding, Soumya Tripathi was demanding, क्या? चलिए बिल्कुल आगे आपका आइदर और वाला आंसर। सोनम सिंह बॉम्बे, ब्यूटीफुल। नीलेश प्रताप सिंह नन। केतन बाबा हिंट दे दीजिए सर, हिंट दे दिए सर जी। अरे हिंट क्या दे दिए यहाँ पर भाई, तो बस आपको ये तो ऑप्शन में ही है, आइदर और आपके ऑप्शन में ही है। जरूरी नहीं कि आइदर और अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो आंसर आएगा ही आएगा। मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था आपसे इसी पैटर्न पे। सौरभ तिवारी बॉम्बे, सौम्य त्रिपाठी बॉम्बे, नीलेश प्रताप सिंह बॉम्बे। सर साइड प्लीज। चलिए बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? ठीक है, ये हिंट नहीं था डियर, बिल्कुल भी हिंट नहीं था कि मैंने आइदर और बोला। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल भी बताऊंगा। चलिए अब आपने ऑप्शन सारे पढ़ लिए होंगे, मैं थोड़ा बीच में आ जाता हूँ। सम कैट्स आर डॉग्स एंड सम गोट्स आर व्हाट डॉग्स, सम कैट्स आर व्हाट गोट्स एंड सम गोट्स आर व्हाट डॉग्स। एक डायग्राम से इसका ये बन सकता है, एक और बन सकता है सम कैट्स आर व्हाट गोट्स एंड व्हाट सम गोट्स आर व्हाट डॉग्स। ये डायग्राम भी बन सकता है, इसका डेफिनेटली बन सकता है। आप देखते हैं हम कंक्लूजंस पे, ऑल डॉग्स आर गोट्स, ऑल डॉग्स आर गोट्स नहीं, इसको हम यहीं कहीं खारिज कर सकते हैं कि नहीं। इसी किसी भी वेन डायग्राम में, इसी वेन डायग्राम में चैलेंज हो रहा, तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। देन व्हाट सम डॉग्स आर कैट्स, क्यों? यहाँ पर अब वैरायटी क्यों देखेंगे, क्योंकि आपके एक ऑप्शन में आइदर और भी है, तो इससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी देखेंगे। ठीक है, नाइदर ऑल भी रहता है तो यही लगता है। यस, ओके डियर, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया। नाइदर नॉर, नाइदर और नहीं, नाइदर नॉर। यस, क्योंकि एग्जैक्टली कोई फॉलो नहीं कर रहा। यस, अगर आपका एग्जैक्टली मतलब मल्टीपल वेन डायग्राम्स में आपका आंसर फॉलो हो रहा होगा, तब हम मल्टीपल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, यहाँ पर सम डॉग्स आर कैट्स नहीं है, लेकिन आपके सेकंड वाले वेन डायग्राम में आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, कंक्लूजन टू। देन नो डॉग इज कैट किसके इस वेन डायग्राम में करेक्ट हो रहा है, मतलब अगर आपका ये वेन डायग्राम रहेगा तो थर्ड वाला कंक्लूजन सही है, ये वेन डायग्राम रहेगा तो सेकंड वाला कंक्लूजन सही है, दोनों वेन डायग्राम के स्टेटमेंट से बन रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट, आइदर टू और थ्री फॉलोस, आइदर टू और थ्री फॉलोस। अंडरस्टूड और नॉट? सर सेकंड डायग्राम कैसे, सेकंड डायग्राम देखिए क्या बोला है, सम गोट्स आर व्हाट डॉग्स, क्या बोला है सेकंड डायग्राम देखिए, सम कैट्स आर गोट्स, सम कैट्स आर व्हाट गोट्स, तो सम कैट्स आर डॉग्स मैंने बना दिया, गोट्स बना दिया, बिल्कुल बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, सम गोट्स आर डॉग्स, तो माय डियर आप यहाँ पर भी डॉग्स बना सकते हो और यहाँ पर भी डॉग्स बना सकते हो, आपको सी और डी साथ में रहेंगे, ऐसा किसी ने मना नहीं किया है, इसलिए आपका ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही डायग्राम है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही डायग्राम है। ठीक है, एंड आइदर और यहाँ पर हिंट क्यों नहीं था, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, मान लीजिए व्हाट ऑल येलो इज ब्लैक, ऑल येलो इज ब्लैक एंड व्हाट नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड बोला, तो इस कंडीशन में आप कितने भी वेन डायग्राम ट्राई कर लीजिए, कितने भी वेन डायग्राम ट्राई कर लीजिए, आपका आइदर और का स्टेटमेंट उस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। अंडरस्टूड और नॉट? तो जरूरी नहीं कि आइदर और वाला आएगा तो वो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। सर मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी करें, माय डियर आज सारे के सारे क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं, आज हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, 50-100 मेथड से पढ़ा है, 50-100 मेथड माय डियर मैम आपको बता रहा हूँ, वेन डायग्राम मेथड से चलिए, वेन डायग्राम मेथड से चलिए, आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन, इट इज जस्ट ए यूनिवर्सल मेथड, मैंने जो भी आपको स्टार्टिंग से मेथड बताई उसी से चलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सम कैट्स आर डॉग, ठीक है, सूरज पाल जी बोल रहे हैं सम कैट्स आर डॉग ये स्टेटमेंट में नहीं बोला, लेकिन मना किया क्या मेरे को, किसी ने मेरे को मना किया कि नो कैट इज डॉग, नो किसी ने मना नहीं किया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए आपको माय डियर जरूरत है मेरे सिलोजिम्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखने की, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यस, आज की 8 पीएम की क्लास है, यस आपकी आज की 8 पीएम की क्लास है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे का नॉन वर्बल का पार्ट है, नॉन वर्बल का पार्ट है। ठीक है, 8 पीएम पे आपकी स्पेशल सेशन आज है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 11। सर एमबी इसी में चला जाएगा मेरा तो, अरे बचा के रखिए यार, आपके सैटरडे संडे के लिए तो स्पेशली बचा के रखिए, खासकर लॉजिकल रीजनिंग के। नीलेश प्रताप सिंह बॉम्बे, रेशमा चेन्नई, फैबुलस बाय बॉम्बे, ऑप्शंस देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, सौम्य त्रिपाठी चेन्नई बॉम्बे। चलिए, हो सकता है आपको ऑप्शंस भी अच्छे से अगर नहीं दिख रहे होंगे, क्या है एक क्रॉस यहाँ पर भी, एक वर्टिकल लाइन है, फिर उसके बाद एक ऐसा डमरू जैसा शेप दिख रहा है। यस, फाइंड आउट द डमरू शेप, यहाँ पर भी डमरू शेप, यहाँ पर तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों आजू बाजू से अटैच है, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन माय डियर मिसिंग है, इस डायग्राम में वर्टिकल लाइन मिसिंग है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। वर्टिकल लाइन यहाँ पर मिसिंग है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपका वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर आपका डमरू भी है, वर्टिकल लाइन भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद माय डियर व्हाट आपका यहाँ पर नीचे वाली लाइन नहीं आई है, तो आपका चेन्नई भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर तो डमरू ही पूरा नहीं बन रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। योर आंसर इज सिंपली आगरा। सर सी नहीं दिख रहा क्लियरली, अच्छा सी नहीं दिख पाया इसलिए आंसर सारा होगा, ठीक है सी का ऑप्शन माय डियर, ठीक है यू कैन सी इट लेटर। मैं आपको अगर यहाँ पर डिफाइन करके फिगर बना के दे देता हूँ। चलिए सी का फिगर कुछ इस प्रकार है, ठीक है सी का फिगर कुछ इस प्रकार है। तो कैसे अगर यहाँ पर देखोगे ये डमरू तो यहाँ पर मिल गया आपको, ये भी मिल गया, वर्टिकल लाइन भी मिल गई, लेकिन वर्टिकल लाइन के पास यहाँ जो पूरी डंडी थी ये नहीं मिली, यहाँ पर नीचे ब्लैंक है जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये डमरू मिल गया, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है उसके बाद इसके बाद भी ये दोनों डैश आपको यहाँ पर मिल रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज व्हाट? आगरा। आंसर इज व्हाट? आगरा। अंडरस्टूड और नॉट? सर साइड का हॉरिजॉन्टल लाइन डी में है लेकिन डी का डमरू तो कंप्लीट नहीं है माय डियर, आपका क्रॉस के ऊपर के लाइन कंप्लीट नहीं है, इसलिए व्हाट आपका डी भी गलत है। ओके आपके पास वहां पर आपका जो क्रॉस का जो यहाँ पर बन रहा है वही यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। दैट्स व्हाई योर आंसर डी इज इनकरेक्ट। दिस इज व्हाट देयर इज गैप बिटवीन बोथ, ऊपर का लाइन और आपके क्रॉस के बीच में गैप है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर, सर हम्बल रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम आप स्क्रीन के राइट साइड बैठिए, क्वेश्चन भी क्लियर और आपका एक्सप्रेशन भी क्लियर दिखेगा। ओके डियर आई विल रिकमेंड, ओके डेफिनेटली आपकी एडवाइस सुनी जाएगी, ऐसा ही करेंगे। बाकी आपके लॉजिकल रीजनिंग के आगे के सेशन तो आपके डिजिटल बोर्ड पे ही चलने वाले। ओके ओनली फॉर टुडे वी आर टेकिंग दिस सेशन ऑन व्हाट दिस। बोथ डमरू इक्वल्स टू ऑल रॉन्ग। नहीं डियर, आपको उसी में से फाइंड आउट करना था, ठीक है। बी फॉर बॉन्ड बॉम्बे, क्या आ रहा है आंसर? फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन दैट अरेंज द गिवन वर्ड्स इन लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। ये और भी ब्यूटीफुल क्वेश्चन डियर। बॉम्बे चेन्नई दो आंसर्स आते हुए देखेंगे क्या हो रहा है। इंडिया गेट, इंडिया दिल्ली, वर्ल्ड यूनिवर्स, मतलब सबसे पहले कौन आएगा? इंडिया गेट आएगा। फिर इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में, दिल्ली इज इन व्हाट? इंडिया। दिल्ली इज इन इंडिया and India is in what? World, or world is in what? Universe. That is what? 2, 3, 1, 4, 5. 2, 3, 1, 4, 5 कोई सीरीज है क्या? नहीं, तो हो सकता है शायद वो रिवर्स सीरीज पूछ रहा होगा। तो रिवर्स सीरीज क्या हो जाएगी? 5, 4, 1, 3, 2। रिवर्स सीरीज 5, 4, 1, 3, 2। Your answer is nothing but what? Bombay. अरे understood or not? बहुत ही बढ़िया dear. Yes, yes, beautiful. चलिए moving on to next question. Next question is what? Paper folding. Paper folding and cutting. पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कोई इश्यू नहीं डियर, बट अटेंड दिस सेशन लेटर ऑन प्लीज। ओके बाद में अटेंड कर लीजिएगा। Diagram is not clearly visible. I will explain the diagram. कोई दिक्कत नहीं है। Chennai shapes are not showing clearly, sir. Okay. चलिए paper cutting and folding का मैं अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर समझाऊं, चेन्नई आंसर है, जिन पे क्लियरली नहीं हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपका जो सर्कल है उसको सेमी सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर फोल्ड किया, फिर अगेन फोल्ड किया, तो आपका कैसा बन गया? यहाँ पर क्वाड्रेंट की तरह बन गया। उसमें एक यहाँ पर सर्कुलर कट और एक क्या रेक्टेंगुलर कट यहाँ पर काटा। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेंट बन गया। यहाँ पर एक सर्कुलर कट और एक रेक्टेंगुलर कट काटा। तो इसकी मेथड क्या होगी? चेन्नई ए एंड सी डायग्राम। चलिए देख लेते क्या हो रहा है। जब भी माय डियर क्या करना है आपको, सिर्फ दो स्टेप फॉलो करनी है कि जिस स्टेप में आपका फोल्ड हुआ है उसी स्टेप में आपका क्या होना चाहिए? अनफोल्ड होना चाहिए। उसी स्टेप में आपका अनफोल्ड होना चाहिए। और हमेशा इसकी क्या बनाएंगे? मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। कैसे? जैसे अगर मैं इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा? ये आपका याला सिंपल याला क्वाड्रेंट अनफोल्ड होके कैसा हो जाएगा? ये पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। और नियरेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी नियरर एंड फार्दरेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? फार्दर। तो ये आपका बन गया। अगेन इसको ओपन करिए, तो ये वाला जो सेमी सर्कल था जो ऑलरेडी बन चुका है आपका, वो ओपन होके कैसा हो जाएगा? दोनों यहाँ पर नियरेस्ट वाले सेमी सर्कल्स और यहाँ पर रेक्टेंगल कट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा चेन्नई। चेन्नई के बीच में दोनों सर्कल है, ऊपर नीचे रेक्टेंगल है। अरे अंडरस्टूड और नॉट? जिसको इमेज विजिबल नहीं थी अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कि जिस प्रोसेस से हमने फोल्ड किया है उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे? अनफोल्ड करेंगे और मिरर इमेजेस निकालते जाएंगे। यस नो वाटर इमेज। वाटर इमेज मत बोलिए फैबुलस बॉय। जब आपकी मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल रहेगी तभी हम उसको वाटर इमेज बोलेंगे। ठीक है, वाटर इमेज मत बोलिए, यहाँ पर मिरर इमेज बोलिए उसे। यस 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 माय डियर, ओके सूरजपाल कंटिन्यू फिगर भी जेईई एग्जाम में आते हैं। अच्छा आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं सूरज जी? आप टाइम पे सेशन में आइए तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। नॉन वर्बल में माय डियर आपके पास 8 to 10 कैटेगरीज होती है, जिसमें से 5 to 6 कैटेगरी हर बार आपके एग्जाम में आती है। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट 8 to 10 कैटेगरीज इन आवर नॉर्मल सेशंस। यस और नो? चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एनालॉजी वर्ड इंफॉर्मेशन, स्कूटर एंड व्हीकल, हाउ इज स्कूटर एंड व्हीकल आर रिलेटेड, पूछ रहे हैं सर। ओके सूरज, मैंने आपको बता दिया उसमें, ठीक है। यस सर क्लियर, वेरी गुड। चलो गाइस कम ऑन आंसर फास्ट, पूरे 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट करने हमें। आसिफ कौसर दिल्ली, सोनम सिंह दिल्ली, नरेश प्रताप सिंह दिल्ली, शाही कुमार दिल्ली। यस, स्कूटर इज अ व्हीकल, एजुकेशन स्किल नहीं, फोटोग्राफी कैमरा नहीं, कार बस नहीं। यस, पाइनएप्पल इज अ फ्रूट, योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। यस बिल्कुल, आंसर्स की लाइन लगा दीजिए माय डियर, हल्के क्वेश्चन में हमें भी चाहिए क्या? अरे रंजन कुमार, ओके योर डिस्कशन शुड बी बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली अवर टुडेस टॉपिक। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पे आपका डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। यस, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी, वेरी गुड। ओके सारी की सारी चीजें ऐसी याद रखनी है आपको, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, वेरी गुड। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two letters, देखिए आपका इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट लेटर, इनकरेक्ट वर्ड या फिर एरर फाइंड आउट करने का एक नया पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। Two letters in the given letter series are put in bracket. Which of the bracketed letters are correct? मतलब आपको इन दोनों में से जज करना है, ठीक है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वर्ड का आपका नया यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो फाइंड आउट द आंसर। सेम लॉजिक, एकदम सेम लॉजिक है। यस बट कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। साई कुमार दिल्ली, नीलेश प्रताप सिंह आगरा। अच्छा दिल्ली फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन में भी, ओके साई। सूरजपाल आगरा, आशुतोष पांडे आगरा, वर्षा सिंह आगरा, साहिल आगरा। ओके ओके, चलिए चलिए, ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे नहीं, बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज का एरर फाइंड आउट करने का है, क्या हो रहा है? 2 to 5 जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट, +3, 5 to 7 +2, मतलब +3 +2 हो रहा है, ठीक है। अगेन चेक करिए क्या हो रहा है, 7 to 10 +3, देन व्हाट, +2, मतलब L तो एकदम करेक्ट है। 12 to कहाँ जाऊंगा, +3, 15, ये भी एकदम करेक्ट है। 15 +2 किया 17, तो Q भी एकदम करेक्ट है। +3 किया, यस 20, +2 किया 22, मतलब L and Q दोनों की दोनों करेक्ट है माय डियर, L and Q दोनों की दोनों करेक्ट है। बोथ द ब्रैकेटेड लेटर्स आर व्हाट, करेक्ट। बॉम्बे नहीं आएगा डियर, आगरा आएगा। +3 एंड +2 सीरीज चल रही है और दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। योर L and Q both are following here, +3 and +2 सीरीज इज वर्किंग हियर। यस, +3 एंड +2 डियर, ओके, +3 एंड +2 का सीरीज है। योर आंसर इज आगरा। एरर का था, इनकरेक्ट वाले का था, लेकिन नए लॉजिक से पूछा, आवर कॉन्सेप्ट इज सेम। आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा दिया। यस केतन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 डॉट्स है, ठीक है। जस्ट मिस टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 4 डॉट्स है, समझ जाइएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। TCAM एंड VAO, सो हाउ इज KZ एंड R आर रिलेटेड? न्यूएस्ट क्वेश्चन, नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली। यस, ब्यूटीफुल स्पीड। रंजन कुमार दिल्ली। सौम्या त्रिपाठी, वर्षा सिंह, साई कुमार शेख। यस यस यस, रेशमा शेख, रंजन, केतन, चिन्मय, रितेशा यादव, फैबुलस, वर्षा, फैबुलस, सोंगी कुमार, मीनाक्षी, साहिल, रेशमा। यस, बहुत ही बढ़िया। +2 -2 +2। यस, नीलेश प्रताप सिंह, एग्जैक्टली। +2 -2 एंड +2 कैसा हो रहा है? E से 22 कहाँ जा रहा हूँ +2, then C से 1 जा रहा हूँ तो -2 भी है बीच में, then what 13 to 15 again +2, सेम चीज यहाँ पर लगाइए +2 -2 +2, 11 में क्या लगाया +2, that is what your 13 your M -2x and what 20 that is mx, your answer is what Delhi। यहाँ पर कभी भी मिस मत करिएगा, डायरेक्टली जंप करने की कभी भी कोशिश मत करिएगा, लाइट की स्पीड से आंसर आते हुए बहुत ही बढ़िया डियर। ओके चलिए +2 -2 +2 ये आपका यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो कभी भी ऐसे ग्रांटेड मत ले लीजिएगा, स्टार्टिंग +2 लास्ट में +2 तो सभी में सेम हो रहा होगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर व्हिच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए जरूरी नहीं है कि हर सेट में इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हर सेट इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है, जरूरी नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी पे इतने ज्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार आपके पास आए हैं तो हर एक मार्क्स को हमें स्कोर करते हुए चलना है। अरे अभी तो बैठे रहिए, आराम से करते रहिए क्वेश्चन, ठीक है, मजे से तो चल रहा है सेशन, क्या दिक्कत है, करते चलिए अभी तो क्वेश्चंस। आज बहुत सारे नए टॉपिक भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सम मोर टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। यस चेन्नई 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 ब्यूटीफुल, कैसे स्टार्ट करेंगे SEN के साथ A है, मतलब सबसे पहले तो 3 आने वाला है, उसके बाद क्या आएगा डियर व्हाट 9, उसके बाद क्या आएगा 9 के बाद यहाँ पर 12, यहाँ पर 9 15 है, तो सबसे पहले क्या आएगा 3 1 एंड व्हाट 5, फिर उसके बाद 4 and 2, योर आंसर इज नथिंग बट चेन्नई। यस और नो, यस यस यस, कोरोना चेन्नई कोविड कुछ भी बोलिए, योर आंसर इज व्हाट सी, दैट इज 31542 31542। यस चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द फिगर। देखिए नॉन वर्बल का एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई होप इस बार आपको फिगर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यस बहुत सारे नए क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज डेफिनेटली, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हुआ, लेकिन वो आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आंसरिंग वाज चेन्नई दिल्ली बॉम्बे दिल्ली दिल्ली। अरे हर एक लाइन पर फोकस करिए आपके डायग्राम में, इस बार तो आपका क्वेश्चन काफी क्लियर है आई थिंक। यस एम्बेडेड मीन्स मतलब ऐसा कौन से डायग्राम का कोई भी फिगर है जो इसके अंदर छुपा हुआ है, जो इसके अंदर छुपा हुआ है, अंडरस्टूड। दिल्ली 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 बहुत ही बढ़िया। बॉम्बे जो बता रहे थे, बाकी फिगर तो आपका यहाँ पर कॉमन है, बट माय डियर ये वाली वर्टिकल लाइन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आपका बॉम्बे नहीं होगा, चेन्नई भी नहीं होगा, आगरा में भी यहाँ पर आपका स्क्वायर रेक्टेंगल आ रहा है, लेकिन ये वाली वर्टिकल लाइन नहीं, आगरा भी नहीं होगा। दिल्ली देखिए दिल्ली एग्जैक्टली यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहा है, अंडरस्टूड, दिल्ली एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है, योर आंसर इज व्हाट दिल्ली, दिल्ली एंड दिल्ली ओनली। यस चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Analogy word based, nest is related to tree, then how is house related to what? अगर nest हम tree पे बनाते हैं, nest tree पर बनता है, तो house कहाँ पर बनता है? चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, बिल्कुल भिड़ जाइए आंसर से, आगे क्वेश्चन बहुत स्पीड से करने वाले हम। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक्स है तो वो अभी तक कवर हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला आपके लिए। I have seen it 10 times and got it right answer. Yes, yes, आगरा आगरा आगरा। तो भैया नेस्ट कहाँ बनता है, ट्री पे, हाउस का बनेगा लैंड पे। यस योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट आगरा, नथिंग बट व्हाट आगरा, अंडरस्टूड और नॉट। यस बहुत ही बढ़िया, लाइन से सारे स्टूडेंट्स का आगरा अजमेर हर चीज आंसर आते हुए। धनुप मेनन जी ट्राई टू आंसर इन A B C and D, आगरा बॉम्बे चेन्नई एंड दिल्ली। अरे सौम्या जी बैठिए तो थोड़ा, अभी थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हैं, चलिए नंबर सीरीज के। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है 10 ही क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले यहाँ पर, ठीक है, तो बिल्कुल वेट करेगा। 40 कर चुके हम ऑलरेडी। टाइप ऑफ होम, सरफेस ऑन विच होम इज मेड। ओके नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से फाइंड आउट करिए। मैं लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूँ आपसे, तो आप लोग कहीं ना कहीं घबराने लग जाते हैं मैराथन सेशन में। चलिए एक सेट तो पूरा की पूरा हर बार कंप्लीट करना है हमें। अरे नहीं होगा स्पेशल सेशन में डियर, डेफिनेटली नहीं होगा। 8 बजे तक थोड़ी चलेगा मैराथन। केतन भागवत आगरा, केतन भागवत 2 टियर सीरीज, वर्षा सिंह आगरा, शुभम श्रीवास्तव आगरा। यस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपकी फाइनल टियर सीरीज कौन सी है यहाँ पर? यस यस, बहुत ही बढ़िया। 80 to 97, देखिए कैसे लॉजिक पे अटेम्प्ट करेंगे। 80, 97, 120, 151, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस का लॉजिक आ रहा है। यस 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 राजेश, 192 कहीं ना कहीं डिफरेंस का लॉजिक आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पर निकाल के देखिए 97, नेक्स्ट हम में क्या हो गया यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 31, कितना आएगा पता नहीं। ठीक है आगे देखते चलिए। 17 से 23 जा रहा हूँ, दैट इज +3 +6, 23 से यहाँ पर क्या +8, मतलब यहाँ पर कौन सा लॉजिक दिख रहा है मुझे? +2 का। +2 यहाँ पर भी किया मैंने, तो क्या आ गया +8 +2, मतलब +10 होना चाहिए, +14 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर +14 किया तो 192। Your answer is nothing but what? Agra. Understood or not? Basically, it is what your 2 tier series है, तो बस मैंने addition ऐसे ही लिख दिया। First and second 2 tier series है। Yes or no? Yes. Agra, Agra, Agra. बहुत ही बढ़िया। 6, 8 and 10. Yes. 17, 23, 31 and 41. Very good. कैसे जज किया? 80 से शुरू हो रहा है 151 तक के, थोड़ा बहुत डिफरेंस पे काम कर रहा होगा यहाँ पर। ट्रिपल सीरीज भी बोल सकते हैं, डबल 2 tier सीरीज भी बोल सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है भैया, दोनों चीजें नहीं भूलनी है। बस आपको क्या बोल दिया है? A stands for division, B stands for what? Multiplication, C stands for subtraction, D stands for what? Addition, मतलब D stands for what? Addition। तो हमें इस सेम यहाँ पर आप अपने साइंस पे यहाँ पर लगाइए एंड किसको फॉलो करिए? B और D M A R, that is bracket operation, division, multiplication, addition and subtraction। प्राइम नंबर में भी हो सकता है। ओके चलिए बिल्कुल करके देखिएगा आप उसमें। बॉम्बे, यस। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइज? अप्लाई द लॉजिक, बहुत ही स्पीड से सॉल्व करेंगे डियर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन। आशुतोष पांडे बॉम्बे, सोनम सिंह बॉम्बे। रंजन कुमार बॉम्बे, रंजन कुमार 82। ओके क्या है? सिंपल, बस यहाँ पर आपको इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाना है। B stands for multiplication, then 3, D stands for what? Addition, 17, B stands for multiplication into 4, C, C काय के लिए था भैया? C stands for what? Subtraction, then 84, A stands for what? Division, that is 3, equals to क्या आएगा? सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा मैं? डिविजन। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा? डिवीजन। डिवीजन जैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ पर क्या आएगा? 2 and 8, 28, देन माइनस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर साथ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 14 into 3 यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, दैट इज 42। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 82। योर आंसर इज नथिंग बट व्हाट? 82, दैट इज बॉम्बे। यस और नो? क्या फॉलो करेंगे? बॉड मास की सीरीज हर जगह फॉलो करेंगे। ठीक है यस। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे, वेरी गुड। अल्फाबेटिकल सीरीज का एकदम आंसर सेकंड्स में आना चाहिए इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, जोश मस्ट बी हाई। व्हाट? 50 को आपका 50th क्वेश्चन तक के जोश एकदम हाई रहना चाहिए। 42 कंप्लीट हो चुके हैं डियर। और इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, फटाक से इसको करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, और वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चेन्नई चेन्नई चेन्नई, यस। बॉड मास लगाया था वहां पर। चेन्नई चेन्नई सर जी अभी क्विज करवा लो। पहले माय डियर हम ये सेशंस कर लेंगे। आई थिंक आज के सेशन में आपका क्विज पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके तो पहले हम 50 क्वेश्चन ही कर लेंगे आपके अपकमिंग सेशन से। वी विल टेक क्विज इन ईच एंड एवरी सेशन। चेन्नई चेन्नई, यस। -4 क्या हो रहा है? 24 to 20, 16, 12, दैट इज व्हाट? नथिंग बट -4। क्या करूंगा? 12 - -4 करूंगा, दैट इज 8, दैट इज H। योर आंसर इज चेन्नई। ओके चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन सिंपली लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन है ना। आराम से आंसर करिएगा, जो हम बचपन से इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी पे क्वेश्चन है यहाँ पर। यस सूरजपाल, आई आल्सो टीचर प्लस टू मेरा लॉजिकल रीजनिंग ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है, क्विज बचा हुआ है बस। Okay, you can join me on Unacademy Plus via ASRLIVE, Ajay Singh Rathour Live and what idea। आगे भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जो मैं आगे लॉन्च कर रहा हूँ उसकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके सर, एक लेक्चर में ओनली सीरीज। ओके, स्पेशल सेशन के एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सीरीज रखेंगे हम, ठीक है। प्लीज कम ऑन स्पेशल सेशंस। स्पेशल सेशन कहाँ मिलेंगे? Unacademy के ऐप पर आइए आप। यू कैन फाइंड माई प्रोफाइल इन व्हाट डिस्क्रिप्शन सेक्शन। दिस स्पेशल सेशन आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइज and Swangi Kumar is answering Chennai, Suraj Pal Bombay, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन सभी को? सूरज पाल यस 44,000 हम चेक कर लेंगे डियर क्या आ रहा है आंसर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एवरी स्टूडेंट लिसन हियर, द मंथली सैलरी ऑफ राजेश इज डबल देन ब्रिजेश, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, राजेश की सैलरी क्या है? डबल देन ब्रिजेश है, तो हमने क्या कर दिया 2 वीक। यस अभी क्लास है, डेफिनेटली ये क्लास और 8 PM पे भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। तो कहीं बच जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एंड व्हाट मंथली सैलरी ऑफ मनीषा इज हाफ ऑफ ब्रिजेश। मनीषा की सैलरी क्या है? हाफ ऑफ ब्रिजेश है। ओके यस बॉम्बे वेरी गुड वर्षा सिंह, रेस्ट ऑफ द गाइस यस यस 44,000। और यहाँ पर क्या बोला? दोनों उन सभी की सैलरी का सम का एनुअल कितना है? दैट इज व्हाट राजेश ब्रिजेश प्लस व्हाट मनीषा का सम कितना है? 9,24,000, ठीक है। 9,24,000 यहाँ पर सम है सभी का। कितना मंथली है? तो डिवाइडेड बाय 12 करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 करूंगा विच इज व्हाट योर 77,000। तीनों का सम 77,000 आ रहा है। ब्रिजेश के टर्म में डिकोड कर दीजिए, चाहे राजेश के टर्म में डिकोड कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। राजेश को यहाँ पर लिख दीजिए 2V, V तो V ही रहेगा। मनीषा को लिख सकते हैं व्हाट हाफ V, ओके हाफ V इक्वल्स टू व्हाट 77,000। आप इक्वेशन में सॉल्व करिए तो यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा दोनों जगह, तो कितना हो जाएगा 7V। 7V इक्वल्स टू व्हाट 77,000 इनटू 2, V क्या हो गया हमारा 77,000 इनटू 2 बाय 7 व्हिच इज नथिंग बट व्हाट 22,000। अगर 22,000 ब्रिजेश की सैलरी है तो राजेश की कितनी हो जाएगी? 44,000। बहुत ही सिंपल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और आंसर इज नथिंग बट व्हाट बॉम्बे। अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नया लॉजिक था, लेकिन सिंपल आंसर यहाँ पर हो पा रहा है। यस तो बिल्कुल। उसके बाद अगर ब्रिजेश की 11 है, ब्रिजेश की 22,000 है, तो मनीषा की 11,000 होगी। वेरी गुड। बस ये ध्यान देना, ये यहाँ पर ध्यान देना कि क्या एनुअल नहीं है, मंथली पूछा है। यहाँ पर एनुअली दिया है लेकिन पूछा मंथली है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डियर। व्हाट कोडिंग डिकोडिंग अल्फा टू न्यूमेरिक। अल्फा टू न्यूमेरिक के हमने तीसरा क्वेश्चन है शायद आज के सेट में, हमारा अल्फा न्यूमेरिक का तीसरा क्वेश्चन है। समझ गए सर? सिंपल था। यस डेफिनेटली सिंपल था, कोई भी नया क्वेश्चन आएंगे घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आप डेफिनेटली क्रैक कर दोगे उस क्वेश्चन को। नीलेश प्रताप सिंह आगरा, यस यस 43 आगरा। क्या हो रहा है? TALK क्या फेस वैल्यू लिख के देखें यहाँ पर 21, 12 एंड 11। अरे सबका सम करने पे 44 आ रहा है। वैसे ही मार्क का सबका सम करेंगे व्हाट 13, 1, 18 एंड 11। सबका आप जैसे सम करोगे सम क्या आ जाएगा 43 और आंसर इज नथिंग बट आगरा, ठीक है। कई बार कोडिंग डिकोडिंग में और सम के साथ +2 या फिर +5 +3 तो ऐसा भी कभी-कभी होता है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा है बट आप उस मेथड को भी ध्यान रखिएगा कि उसके आसपास भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अल्फाबेट का फेस वैल्यू, यस फेस वैल्यू बोल दीजिए, प्लेस वैल्यू बोल दीजिए, उसका क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ओके चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर। मार्क इट एज व्हाट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन एज बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और मैं पहली क्लास से जो आपको वैल्यूज बार-बार आपके दिमाग में फीड अप कर रहा हूँ, बार-बार दिमाग में आपके फीड कर रहा हूँ, सारी की सारी देखिएगा आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाली है। 101% एग्जाम में काम आने वाली सारी की सारी वैल्यूज। नीलेश प्रताप सिंह दिल्ली, रंजन कुमार दिल्ली, यस यस, वर्षा सिंह दिल्ली, सोनम सिंह दिल्ली। I want each and every student to participate in the what? Comment section. सभी लोग आंसर दीजिए। वर्षा सिंह दुबई, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐड, यस। कैसे समझेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 1, यहाँ से हम जैसी का डिफरेंस कितना हो रहा है 8। अरे इनका बीच का डिफरेंस तो हमें नहीं पता, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है 90, और बहुत बड़ा उसको भी डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन द मोमेंट यू डिकोडेड इज व्हाट, इट इज व्हाट 1 का क्यूब, इट इज 2 का क्यूब, इट कैन बी व्हाट 3 का क्यूब, इट कैन बी 4 का क्यूब। You are not sure, you are saying just can be, ठीक है, just try to add 27 and 64 in this। जैसे ही आपने 27 ऐड किया तो यहाँ पर कितना है 141, 141 में 64 ऐड करी, yes, 205 आ रहा, that's why you are sure that your answer is what Delhi। अरे समझ में आया कि नहीं, तो आपके क्यूब्स की सीरीज भी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, yes or no, yes, the difference is of what cube, okay, yes, your answer is Delhi, very good। चलिए क्यूब का डिफरेंस है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर व्हिच इज इनकरेक्ट, जहां पर भी इनकरेक्ट आएगा बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, बार बार बताते जा रहा हूं, बिल्कुल सिली मिस्टेक मत करेगा। इनकरेक्ट यहां पर निकालना है, सीरीज नहीं निकालनी, इनकरेक्ट निकालना है, बहुत पेशेंस से सॉल्व करिएगा। नीलेश प्रताप सिंह चेन्नई, आशुतोष पांडे चेन्नई, रंजन कुमार चेन्नई, सौम्या चेन्नई। व्हाट इज हैपनिंग, आंसर विद द लॉजिक, क्यों गलत है, क्यों PUI गलत है, आंसर विद द लॉजिक, यस। साई कुमार, रंजन कुमार श्रीवास्तव, कीर्ति कुमार, कुंदन कुमार, वेरी गुड। व्हाट इज हैपनिंग एट What 20, 19, 18, 17, then 16। यहाँ पर तो सब जगह -1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सीरीज में क्या हो रहा है -1 हो रहा है, उसके बाद यस यहाँ तो -1 हो रहा है। Then what here 26, 25, 24, 23, 20 what 23 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 23 के बाद यहाँ पर क्या हो गया -2। Then what M से 13, 12, 11, 10, उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो गया my dear what, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ सब जगह तो -1 चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या चल रहा है -2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा PUI just because of what this -2 PUI is what W समय कहाँ जा रहे थे कि यहाँ पर V आना चाहिए, तो your answer is what Chennai, yes, the correct answer must be PVI, very good Ranjan, correct answer PVI होना चाहिए, answer for Chennai, very good। Moving on to next question, ठीक है, blood relation का ये आपका कौन सा क्वेश्चन पार्ट है, coded, these are called as what coded blood relation part, सिंपल बस आपको यहाँ पर कोड करके बताया है कि A+B means what, A is mother of B। इसमें दो चीज का ध्यान दीजिएगा हमेशा कि आपका रिलेशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो A to B ही जा रहा है कि नहीं, सब में यस। A-B means A is brother of B, A into B is A is husband of B, A/B means A is father of B। तो आपसे यहाँ पर रिलेशन पूछा है R+Q/S means, चार ऑप्शन दिए हैं, फाइंड आउट द आंसर। अभिषेक दीक्षित, ओके, नो नीड टू से थैंक यू, दिस इज माय हम्बल ड्यूटी फॉर यू गाइस कि आपको पूरा के पूरा एक 50 मार्क्स का सेट आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी था। सौम्या त्रिपाठी आगरा, सूरज पाल दिल्ली, शुभम श्रीवास्तव आगरा, देखिए अगर आपको ब्लड रिलेशन और रैंकिंग में सर्कुलर में बिल्कुल कोई भी दिक्कत आती बिल्कुल मत घबराइएगा। इन आवर अपकमिंग सेशन वी विल डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स ओनली। और आपका जो मंडे क्लास होने वाला है डियर, मंडे जो आपका क्लास होने वाला है वो ब्लड रिलेशन पे ही होगा। ब्लड रिलेशन की तीनों कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, ओके। जस्ट अभी क्या करिए, अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। आगरा बहुत ही बढ़िया। क्या बोला R+Q मींस व्हाट, R इज मदर ऑफ व्हाट Q, R इज मदर ऑफ व्हाट Q। अगर R मदर है तो R पे डायरेक्ट साइन आ जाएगा क्या का माइनस का, मदर इज व्हाट फीमेल। देन व्हाट Q/S दैट मींस Q इज फादर ऑफ व्हाट S, Q is father of S। अगर Q father है तो डायरेक्टली क्या आ गया यहाँ पर प्लस। A for America संदीप पाल, ओके। दादी जी नॉट दादाजी, देख लेते हैं कौन होंगे यहाँ पर। R की जेंडर क्या आ गया माइनस, Q का जेंडर आ गया प्लस। और क्या पूछा है यहाँ पर, आर इज पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एस, एस यहाँ पर ग्रैंड मदर होगी, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि माइनस है। पैटर्नल है क्या, यस, क्योंकि क्यू आपके फादर है, फादर्स मदर विल बी व्हाट, पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो यार आंसर इज नथिंग बट व्हाट, आगरा। मदर्स मदर होती तो व्हाट, मैटरनल ग्रैंड मदर, यस और नो। चलिए बिल्कुल, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, E and D is written as VMW. Beautiful question dear, मजा ही आ जाएगा इसमें। E and D VMW. I was expecting, waiting for this question from a long time. आपका coding, decoding से भी देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज को कोई छोड़ के जाने वाला है क्या एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। पूरा एग्जाम बस इन्हीं दो टॉपिक से भरा पड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। मैक्सिमम टाइम देना होगा 50 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग के लिए, प्लीज गाइड मी सर। मैक्सिमम कितना टाइम? मैक्सिमम टाइम आपका 40 मिनट्स आप दे सकते हैं। मिनिमम हमें एवरेज, ऑन एन एवरेज 35 मिनट्स देना है, ठीक है। अगर आपको स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है तो इन अवर अपकमिंग सेशन वी विल बी ओनली प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एंड यू कैन आल्सो जॉइन मी ऑन व्हाट स्पेशल सेशन व्हिच इज एट 8 पीएम टुडे। अब इन स्पेशल सेशंस को कंटिन्यूअसली अटेंड करिए, आपकी प्रैक्टिस और टाइमिंग डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, एच आर जी बॉम्बे, यस। क्या हो रहा है यहाँ पर, द लॉजिक इज व्हाट, यस केतन भागवत, अपोजिट पेयर 27 वाला। ई वी कहाँ से आता है, लव से, व्हाट एल ओ वी, योर लव फॉर व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग। देन व्हाट एम एन मैन, ड्यू, ड्यू भी यहाँ पर अपोजिट हो गया। तो सिंपल आपका एस एच एम लिख के दे दिया क्या आपका एस आई टी एच आर जी, ओके। योर आंसर इज व्हाट बॉम्बे, योर आंसर इज व्हाट बॉम्बे, ओके। अपोजिट पेयर्स, फॉरवर्ड सीरीज, बैकवर्ड सीरीज इतने अच्छे से आपको दिमाग में आनी चाहिए कि आप उसको डायरेक्टली हर टाइम पे समझ पाओ, यस और नो। बे ऑफ बंगाल, यस, यूट्यूब पर ही होगी। राखी तोमर जी, आपके आगे के अपकमिंग सेशन जो ब्लड रिलेशन की बात कर रहा था वो यूट्यूब पे ही होंगे। मैराथन सेशन जो संडे वाले थे यूट्यूब पे ही होंगे। बट योर 8 पीएम क्लास इज व्हाट स्पेशल सेशन क्लास, ओके। यू कैन जॉइन मी ऑन अनअकैडमी व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री, ओके, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। तो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी। कैसे जाएंगे, गो ऑन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, ठीक है, वहां पर मेरी प्रोफाइल दिखेगी, प्रोफाइल के थ्रू आप अनअकैडमी ऐप पर जाइए, यू कैन लुक आउट फॉर मी। और जैसे ही आपको स्पेशल सेशन दिखेगा 8 पीएम वाला, ओके, लव शर्ट जीटी रोड, यस, तो जैसे ही आपको क्या दिखेगा, स्पेशल सेशन दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन नोटिफाई मी बटन, तो आपको सारी अपडेट्स आ जाएगी। एंड दिस स्पेशल सेशन सीरीज एंड मैराथन सीरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। What is railway? क्या है what is railway? Indian Railway, dears, IR, Indian Railway, okay। Unacademy की class timing क्या है? 8 p.m. dear, 8 p.m. okay। Normally it is on what 7, 8 और 9 p.m. पे रहती है और today is in it is at 8 p.m. sharp 8 p.m. Indian Railways opposite pair, yes। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई प्लस कोर्स ऑन अनअकैडमी, आप वहां पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं, कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग में, और स्पेशल सेशन में भी आप मेरी प्रोफाइल से जा सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आसिफ, पी पी यहां पर पी मे बी साइलेंट, ओके। सोरेसिस इज कनेक्टेड टू स्किन, चलिए ये भली आपको पता चले ना चले, जॉइंटिस तो आपको पता चल ही सकता है यहाँ पर, यस यस। वी हैव मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राखी तोमर जी, वहां पर मेरा बिल्कुल प्लस का कोर्स लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, यू कैन चेक आउट व्हाट अजय सिंह राठौर सर देयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग, और आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, बहुत ही बढ़िया। जॉइंटिस, ये स्किन सोरेसिस स्किन डिसीज होती है, दैट इज व्हाट रेड इचिंग पैचेस यहां पर स्किन्स पे बन जाते हैं। वैसे जॉइंटिस कहां पर माय डियर, जॉइंटिस डिसीज अफेक्टेड बाय व्हाट लीवर, लीवर अफेक्ट होता है इसमें, यस और नो। ये क्वेश्चन बायो रिवाइज करा देगा, यस, यहाँ भी तो रिवाइज होगा। और जो हमने एम्ब्रियो वाला क्वेश्चन किया था वहां पर भी देखिए कितना डिटेल फॉर्म में आपका बायो रिवाइज हो रहा था, यस और नो, यस। बनारस, यस, आंसर इज बॉम्बे, बनारस जो भी। सर वो कोड वाला टेस्ट कब है? माय डियर, मैंने ट्राई तो किया था कि आज ही के सेशन में हो पाए वो, बट आज के सेशन में नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट सेशन से हम उस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, क्विज़ेस को कंडक्ट करेंगे। और अगर आज हो पाता है तो आई विल अपडेट ऑन व्हाट अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल, आई विल अपडेट ऑन अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल, यस और नो। आज के सेशन में तो अभी वो अब नहीं हो पाएगा, बट आके अपकमिंग सेशन में डेफिनेटली इट विल बी देयर। अरे भैया चलिए, गुड न्यूज क्या है ये, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर व्हाट हम पूरे सेट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे सेट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फैमिलियर थे हमारे से, 3-4 बस डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन थे, वो हम आगे के अपकमिंग क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लेंगे। यस डेफिनेटली माय डियर, एनरोल कर लीजिए आप वहां पर। ओके चलिए आंसर दिस। 5 फ्रेंड्स असलम, विनायक, करतार, रोजी एंड सुरेश आर सेटिंग इन व्हाट? स्ट्रेट लाइन। अभी सर्कुलर का नहीं है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। और कितने फ्रेंड्स से 5 है ना। और फेसिंग कहां बोला? नॉर्थ। लेट अस सपोज दिस इज नॉट फेसिंग नॉर्थ। वर्षा सिंह, अरे पहले अटेम्प्ट तो कर लीजिए, फिर 49 आउट ऑफ 50 बताइएगा। साहिल चेन्नई, वेरी गुड। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गाइस? रंजन कुमार चेन्नई, भारत विक्रम चेन्नई, यस, वर्षा सिंह चेन्नई। अब ठीक है विनायक, यस यस विनायक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कैसे अटेम्प्ट करेंगे? असलम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ करतार। यहाँ पर मत फिट करिए, लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर में कर सकते थे तो यहाँ पर साइड में कर दीजिए। असलम इज व्हाट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ व्हाट करतार। सुरेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रोजी। ठीक है, सुरेश कहाँ रहेगा? इमीडिएट राइट ऑफ रोजी। देन आफ्टर दैट व्हाट करतार इज एट द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ रोजी। रोजी के क्या सेकंड प्लेस पे रहेगा? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड प्लेस करतार। तो इसी के आगे क्या आएगा? ए। तो आपकी सीरीज क्या बन गई यहाँ पर? ए के एक प्लेस यहाँ पर ब्लैंक है, रोजी एंड व्हाट सुरेश। तो इस ब्लैंक पेज पे कौन आने वाला है? दैट इज योर वी, दैट इज व्हाट योर वी। तो क्या पूछा है? हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन मिडिल? दैट इज नथिंग बट व्हाट विनायक, दैट इज नथिंग बट व्हाट योर विनायक। आंसर इज चेन्नई। अंडरस्टूड और नॉट? यस यस। अब बताइए, चलिए सभी का स्कोर। वर्षा स्कोर वाज व्हाट 49। सभी का अपना अपना ईमानदारी से पर्सनल स्कोर बताइए और समझिए कि आप कितना बढ़िया स्कोर कर पाए अभी तक। ओके AKVRS, यस रंजन कुमार, वेरी गुड। वर्षा सिंह, वेरी गुड। साहिल, वेरी गुड। AKVRS इज द करेक्ट सेटिंग अरेंजमेंट। वर्षा सिंह 49, आशुतोष पांडे 47, यस। आंसर मी योर स्कोर गाइस, आंसर मी योर स्कोर। अरे अब पॉसिबल लग रहा है कि नहीं 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना लॉजिकल रीजनिंग में? यस और नो? केतन भावत 44, कोई दिक्कत नहीं डियर, नए नए टॉपिक भी स्कोर किए। आसिफ कौसर, अगर आप लेट आए होंगे तभी 30 होगा, नहीं तो इतना कम नहीं हो सकता डियर। यस, नाउ इट सीम्स पॉसिबल टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50। बिल्कुल माय डियर, डेफिनेटली यू कैन स्कोर 50 आउट ऑफ 50। सर मैंने काउंट नहीं किया, काउंट करना था और सेशंस के एकदम स्टार्टिंग से आना था। एंड डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर व्हाट 8 PM का जो हमारा सेशन था डियर, 8 PM का हमारा जो सेशन था, ठीक है, उसे बिल्कुल फॉरगेट मत करिएगा। अभी से एनरोल करके कर दीजिए, लिंक इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द अनअकैडमी ऐप। बिल्कुल एनरोल कर दीजिए 8 PM के सेशंस के लिए। हमने आज पूरा एक 50 मार्क्स का सेट कंप्लीट किया। सौम्या त्रिपाठी 45, नितिन 45, 4 रॉन्ग, 1 स्किप, सौम्या त्रिपाठी। ओके अख्तर, इट्स माय फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं डियर, बट आई गारंटी यू कि आप आगे के सेशन में कंटिन्यू रहने वाले हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल अवर 8 PM व्हाट स्पेशल सेशन क्लास। यस डेफिनेटली वी विल मीटिंग एट 8 PM। एंड गाइस, जिनको भी कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम हो रही, जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस, और आपके वहां पर क्विजेस और होने वाली है। टाइम मैनेज डेफिनेटली करना पड़ेगा। मेगा क्विज होगी सौम्या त्रिपाठी, डेफिनेटली मेगा क्विज होगी। आई विल इन्फॉर्म यू what for tomorrow will be your what mega quiz. I will inform the timing in our what Unacademy का जो SSCJE का Telegram channel है, find the link in the description section, वहां से आपको मिल जाएगा। yes or no? राकी तोमर, आपकी भी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं डियर। ओके एंड योर डाउट वाज टू जॉइन मी ऑन Unacademy Plus, डेफिनेटली यू कैन जॉइन मी ऑन Unacademy Plus। ओके ओके डियर, चलिए। So what Unacademy Plus will be providing you in live classes, English and Hindi medium 12 languages course. Every 4th session is doubt clearing and you will have what every 7th day as weekly test. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? You have to do nothing, just choose your goal as SSC examination. तो आपके जितने भी कोर्सेज SSC के लिए अवेलेबल है, मेरे कोर्सेज में यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के अवेलेबल है, साइंस के भी मेरे आने वाले कोर्सेज कवर करूंगा मैं। ओके तो सभी लोग को वहां पर क्या मिलने वाला है? सारे के सारे कोर्सेज वहां पर मिलने वाले हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है एंड व्हाट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के प्लान्स आएंगे, व्हाट जैसे 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। 12 मंथ्स अगर आप ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तो प्री मेंस और आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए मिनिमम 12 मंथ्स चूज करिए। अदरवाइज आई विल एडवाइज टू चूज 20 पर मंथ प्लान, ताकि आप क्या करें, जितने भी एग्जाम रहे उसमें आप अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज कर सके। एंड फॉर दिस अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग एडिशनली व्हाट एडिशनल रेफरल कोड 10% कोड, व्हिच इज व्हाट ASRLIVE। ASRLIVE क्या है भैया? ASRLIVE इज अजय सिंह राठौर लाइव। ओके, लॉजिकल रीजनिंग का मजा ही माय डियर तब है जब आप क्लासेस को लाइव अटेंड करें। यस सर नो। 8 PM पर कहाँ होगी क्लास माय डियर? अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल सेशन में, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल सेशन में, व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस। वो वहां पर हमारा लॉजिकल रीजनिंग का 1000+ MCQ सीरीज का 11th पार्ट है आज। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल दिस सीरीज। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। यस, द क्वेश्चंस वर वेरी फैबुलस और आप लोगों ने भी काफी अच्छे से उसे सॉल्व किया। अरे सर क्यों देंगे भैया पार्टी, सर क्यों देंगे? ओके, द बर्थडे गर्ल शुड गिव द पार्टी। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। वी विल मीटिंग एट आवर स्पेशल सेशन एट 8 PM, वहां पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। ओके, फॉर दिस आपको जो भी मैंने अभी प्लान्स बताया, फॉर दिस यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड इफ व्हाट, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए आपके किसी भी कारण से, तो यू कैन व्हाट, आप क्रेडिट कार्ड से भी EMI बनवा सकते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज व्हाट ASRLIVE, अजय सिंह राठौर लाइव। यस यस, ओके, हमें भी मिलना चाहिए सौम्या जी। ओके, एंड बिलीव मी माय डियर, डेफिनेटली अगर आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी, अच्छा स्कोर करते रहे, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, बिलीव मी। एंड द मोमेंट आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे, आपको याद आएगा कि यस, अजय सर कहा करते थे 50 out of 50। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग स्कोर कर पाएंगे, और आपको धीरे धीरे खुद पे भी सेल्फ बिलीव होता जा रहा है कि आप सिलेक्शन होता जा रहा है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट माय डियर। व्हाट आपके जितने भी पीडीएफ मिसिंग है लास्ट के 2-3 लेक्चर के, आई विल अपलोड टुडे ओनली, तो बिल्कुल ज्वाइन अवर अनअकैडमी SSCJE टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको बाकी की और भी डिटेल्स मिल जाएगी। यू कैन गो थ्रू एंड चेक दिस चैनल। चैनल की लिंक कहां मिलेगी? द लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एंड दोज हु आर न्यू हियर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन व्हाट बेल आइकन, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे और आप आगे के सेशन में कंसिस्टेंट रहें। ओके, चलिए ठीक है, MB बचाइए, बिल्कुल 8 PM के लिए MB बचा के रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल। वी विल बी मीटिंग एट व्हाट 8 PM। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन आवर 8 PM सेशन। सो थैंक यू गाइस, व्हाट अ वंडरफुल सेशन दिस वाज। ओके, ऐसे ही आगे सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।